जी जी गुड मॉर्निंग। चलो वन बाय वन देखते हैं, ऐसे बहुत सारे डाउट्स आ गए तो ग्रुप में भेज दो। ये तरुण ने जो भेजा था, ट्राई कर सकते हैं ऐसे, लेकिन उसमें मुझे भी देखना। ये क्या मेजर थ्योरेटिक यूज किया ना? सर मैंने 41 से भेजा है सर। हाँ वो तरुण ने पर्सनली भेजा था, उसमें ये नेट के क्वेश्चन मैंने पोस्ट किए थे, तो इसको yes, मुझे तो मतलब बेसिक प्रोबेबिलिटीज के भी थे उसमें, काउंटिंग वगैरह के। हाँ, ट्राई करते हैं। अगर देखो क्योंकि डाउट आप पूछोगे, ट्राई करते हैं, हुआ तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर मैं बाद में सॉल्व करके भेज दूंगा सॉल्यूशन। ये है क्योंकि है ना, कोई जरूरी नहीं, मुझे भी सब कुछ आता है, बट हाँ ट्राई कर सकते हैं। तो ये है, बाकी ये है कि क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे ना, क्यों अभी नहीं होगा तो है ना बाद में ट्राई करूंगा तो हो जाएगा, या कहीं कहीं से हेल्प लेंगे, क्वेश्चन सारे सॉल्व होंगे। तो इसमें जनरली जो 38, 39 ये सब मेजर थ्योरी बेस्ड है ना, सिग्मा फील्ड। बाकी पहला वाला तो बेसिक प्रोबेबिलिटी का ही है, इसको ग्रुप में भेज देता हूँ ना। सो ग्रुप में भेज दो, एक बार ग्रुप में भेज दो, वन बाई वन देख लेते हैं ग्रुप में। हाँ चलो राघवन, एक बार तरुण से ग्रुप में फॉरवर्ड कर दो है ना, ये ऑफिशियल वाले में, तो उसको भी देखते हैं। अच्छा ये राघवेंद्र ने जो भेजे हैं शुरू से, आपने क्या है 41, तो ये जो 41 नंबर क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है ये सम ऑफ सीरीज। ये 41 क्वेश्चन जो है जैम 2016 का, चलो वन बाय वन देखते हैं ना यहां से। तो ये क्या है कि समेशन माइनस वन की पावर एन अपॉन, ठीक है, एन स्क्वायर प्लस एन माइनस टू, एन फ्रॉम टू से इंफिनिटी, इसमें सीरीज का सम निकालना है ना। तो ट्राई किया भाई राघवेंद्र, आपने ट्राई किया इसको? Yes, sir. तो इसमें क्या है, कोई सीरीज का फॉर्मूला लग जाएगा, इसको फैक्टराइज कर लो डिनोमिनेटर को। तो अगर आप फैक्टराइज करोगे डिनोमिनेटर को तो क्या होगा, अगर यहां से स्टार्ट करूं, सो इसको फैक्टराइज कर लो सर, n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1। तो नहीं मैं कह रहा हूं इसको फैक्टराइज करके क्या आएगा, दो फैक्टर आएंगे ना, क्या क्या आएंगे बोलो, n माइनस 1 n प्लस 2, एक बार चेक करो। ठीक है, इसको वन टर्म स्प्लिट करो आप, तो ये आ गया। अब इसमें आप वो लगाओ पार्शियल फ्रैक्शन, तो जब पार्शियल फ्रैक्शन लगाओगे तो क्या आएगा, n बराबर 2 टू इंफिनिटी माइनस 1 की पावर n, अभी बाहर रखो, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाओ 1 बाई एन माइनस 1 माइनस 1 बाई एन प्लस 2। अब देखो मुझे क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा इसमें, अब ये चेक करो कितना एक्स्ट्रा मैंने लिखा है अभी, है ना, 3 डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको ब्रेक करेंगे n प्लस 2 में से माइनस n प्लस 1, 3 से मुझे इसको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, अब ओके हो गया। चलो अब इसको अलग अलग कर दो, सो 1/3 बाहर है, या इसको तुम एक बार ओपन कर सकते हो। अब तुम्हें देखना है कि टर्म में कैसे रिलेशन आएंगे, है ना। ओके अच्छा, एन माइनस वन एन प्लस टू है ना, तो इसको तो ये तो कैंसिल होगा नहीं ना, तो अब तुम्हारे पास अप्लाई करना है, तुम्हें लॉग वन प्लस एक्स का एक्सपेंशन पता है क्या होता है? यस सर, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू। हाँ तो log 1 plus x का एक्सपेंशन लिखो, मैं चार्ज पे लगाता हूँ मैं। सो log 1 plus x के साथ कंपेयर करो उसको, और उसमें 1 minus x भी यूज हो सकते हैं, पर चेक करो पहले क्या आएगा। बाकी लोग आगे क्या होगा, अगर ये माइनस वन की पावर एन नहीं होता तो सिंपली ये टेलीस्कोपिक सीरीज जैसा कुछ हो जाता, तो वो कैंसिल होकर कुछ बचता है ना, लेकिन यहाँ माइनस वन की पावर एन है। ठीक है, तो
तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इसको अगर तुम, मैं ऐसा बोल रहा हूँ माइनस वन की पावर एन अपॉन एन माइनस वन है, और इसको फिर चाहो तो वैसा कर लो, आगे क्या आ जाएगा, प्लस में चाहो तो प्लस में लिख लो या अलग अलग कर लो, है ना, प्लस में चाहो तो प्लस में लिख सकते हो, समेशन ये माइनस वन की पावर एन है, एक और माइनस है, एन प्लस वन लगा लो अपॉन एन प्लस टू है तुम्हारा, एन फ्रॉम टू से इंफिनिटी। अब इसका तुम क्या, इसको तुम ब्रेक कर सकते हो उस पे एक्सपेंशन पे, चेक करो, अब इजी है, क्या एक्सपेंशन ब्रेक होगा कि नहीं, बताओ, बाकी लोग भी सजेस्ट कर सकते हैं आगे क्या होगा, कोई जरूरी डाउट है तो ये बताएगा। How to find sum of this series? कोई इसका सम बता पाएगा? सर ये log 1 plus x ऊपर में जा रहा है सर। हाँ expansion में compare कर लो, हो तो भी आप क्या दिक्कत है? Compare कर लो, जो term कम पड़ रहे हैं उसको तुम वो कर लो, balance कर लो। तो one okay sir। देखो सिंपली मैं अगर तुमसे बोलूं, चलो log 1 प्लस x का एक्सपेंशन क्या है बताओ, कोई बताओ, x माइनस x स्क्वायर बाय 2 प्लस x क्यूब बाय 3 माइनस x स्क्वायर बाय, चलता रहेगा। तो अगर मैं पूछूं log 1 माइनस x क्या है सर, माइनस में 4 सर, तो माइनस x फिर सारा माइनस में आता रहेगा, तो ये इस पे ही हो जाएगा, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो इस पे फिट होता फिर, है ना, तो ये सारे माइनस रह गए। तो इसके साथ अब कंपेयर हो जाएगा, तुम यहाँ x को 1 रख दो तो log 2 क्या हो जाएगी, ये यूज नहीं होगा, सो log 2 की वैल्यू क्या आएगी, चेक करो यहाँ से, अगर तुमने x को 1 रख दिया तो log 2 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 ठीक है, माइनस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 5। अब तुम इसको ओपन करके देखो, तुम्हें उससे कंपेयर हो जाएगा। अब इसमें तुम्हारा एन कहां से स्टार्ट हो रहा है, 2 से ना, तो एक बार ओपन कर दो, इसी में से टर्म्स आ जाएंगे, फिर बैलेंस कर लेना, सेम वहां पे हो जाएगा, ठीक है ना, जो टर्म कम है सबट्रैक्ट कर लो, इससे ही हो जाएगा, दोनों की वैल्यू log 2 के टर्म में आ जाएगी, फिर आंसर आ जाएगा। हाँ मतलब इसको जस्ट खोलो और इसको कंपेयर कर लो इसके साथ, ठीक है। जो नेक्स्ट है, सो वन बाय वन करें, अच्छा पहले एक एक पर्सन का डाउट लेते हैं ना, वैसे तो कई सारे बजे बाद दोबारा देते हैं। चंचल ने क्या भेजा है, सो लेट्स सी, सो पहला है ना, पहले ऐसे बहुत सारे, एक ही आदमी डाउट करेंगे एक पर्सन के तो बहुत सारे डाउट होंगे, तो अगर डिफरेंट पर्सन के तो ट्राई कर सकते हैं, है ना, बाकी आप लोग भी जिनको सॉल्यूशन आता है आप लोग भी सॉल्व करके भेज सकते हो, है ना, सो ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन्होंने जो भेजा हुआ है सेवेंथ क्वेश्चन जो है, है ना, क्या है ये कि XIBIID, अच्छा लेकिन लोगों ने ये पढ़ा नहीं है सब लोगों ने, तो X1 X2 XN जो है IID है जिसका PDF दे रखा है थीटा x की पावर थीटा माइनस 1, तो पूछ रहा है कंसिस्टेंट एस्टिमेटर बताइए थीटा का, तो ऐसे कंसिस्टेंट एस्टिमेटर अगर फाइंड करोगे आप, चलो इसका मीन निकालो, ये मीन कितना आता है यहां से ex फाइंड करो जरा, सर थीटा ही आता है सर इसका, थीटा बाय आता है। गिनकर आउट चंचल का ना, चंचल आपने फाइंड किया था इसका मीन कितना आएगा, मीन सर मैं डेफिनेशन से ट्राई कर रही थी पर वो मुझे आया नहीं। हाँ तो डेफिनेशन क्या है कंसिस्टेंट एस्टिमेटर का, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, बट यहाँ पे आप पहले मीन निकाल लो और वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर यूज कर लो तो हो जाएगा। सो हाँ, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर क्या कहता है, एक्स बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू ई एक्स, ठीक है ना, अब ये ई एक्स निकाल लो आप, तो ये कंसिस्टेंट एस्टिमेटर यही तो डेफिनेशन है कि जो भी एस्टिमेटर कन्वर्ज कर रही है इन प्रोबेबिलिटी टू सम क्वांटिटी,
सो वो जो एस्टिमेटर है, अगर मान लो ये थीटा आ गया फॉर एग्जांपल, तो आंसर इज एक्स बार फॉर दिस क्वेश्चन, कि एक्स बार इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा। अगर मान लो आंसर आपका थीटा बाई टू आया, कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा क्या आएगा। सो तो इजी है ना, जस्ट करके आप देख लो क्या बता रहा था, वन बाई हाँ, लेकिन ये ऐसा है ना, थीटा एक्स टाइम करोगे तो एक्स की पावर थीटा डी कितना आ जाएगा, ये एक्स। अच्छा एक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ आपने सपोर्ट भी नहीं दिया एक्स कहाँ से कहाँ तक है, लिखे हुए क्वेश्चन में दिक्कत है, इसमें एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है। सर वो मेंशन नहीं है इसमें, एक्चुअली वो आरबीआई का पेपर है सर, तो मुझे मिला है। अरे तो ऐसे कैसे, तो बिना सपोर्ट के पीडीएफ थोड़ी होता है, तो मतलब आप क्या करना चाहते हैं। नहीं तो वो गलत है, इसलिए मैं लिखे हुए क्वेश्चन भरोसा नहीं करता सर, क्योंकि बच्चा क्या आधा इन्फॉर्मेशन देता है फिर बाद में टीचर फंस के उसमें टीचर टाइम वेस्ट करता है, ठीक है ना। तो अगर कहीं भी पीडीएफ लिखा होगा तो ऐसा होगा ही नहीं कि सपोर्ट नहीं लिखा होगा, सपोर्ट लिखा ही होगा, पीडीएफ में साथ में होता है किस एक्स के लिए डिफाइंड है, तो उसको याद आ रहा अधूरा है, तो इसका मतलब ये है ना, तो ऐसा नहीं, तो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ क्वेश्चन ऐसा, कोई बच्चे इन्फॉर्मेशन कोई छोड़ देता है फिर वहाँ क्वेश्चन इनकम्प्लीट हो जाता है, फिर कैसे सॉल्यूशन निकलेगा, तो कोई प्रिंटेड रहता है समझ आता है कि ठीक है। ये आदित्य ने भेजा है, वन बाय वन मैं डिफरेंट लोगों का क्वेश्चन कोशिश कर रहा हूँ वन बाय वन देखूँ, फिर बाकी वापस आएंगे। सो क्या भेजा है आदित्य ने, 49:53। सो 49 क्या है आपका, 49 कह रहा है कि जो ये आदित्य ने भेजा हुआ है ना, कि EF इवेंट है इस तरीके से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ F है। सो E एंड F आर इवेंट्स विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ E लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ F, और ऐसा है कि प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F मोर देन 0 है। अच्छा तो मतलब पहली बात तो ये है कि E की प्रोबेबिलिटी लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ F है और E इंटरसेक्शन F मोर देन 0 है, इसका क्या मतलब हुआ फिर, मतलब है ना, तुम अगर वेन डायग्राम पे देखना चाहो तो कैसा भी हो सकता है ना, क्योंकि वो ये आप जानते होंगे कि E अगर सबसेट है F का तो PE जो होगा वो लेस देन इक्वल टू PF होगा, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है ना, अगर ऐसा है तो जरूरी नहीं ऐसा होगा, ठीक है ना। तो अगर आपको ये पता है कि E सबसेट है F का, इन दैट केस PE लेस देन इक्वल टू PF है, बट अगर ऐसा है जरूरी नहीं ऐसा होगा, बट इसने कहा है कि है ना इंटरसेक्शन में कुछ तो कॉमन है, तो ऐसा हो सकता है कि मान लो कोई इवेंट एक है ना इस तरीके से, थोड़ा E छोटा सा लार्जर बना रहा है, तो ये E है और ये F है और ये आपका E इंटरसेक्शन F पोर्शन हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, तो आपका जो क्वेश्चन है वो कहना चाह रहा है कि अकरेंस ऑफ E इंप्लाई करेगा अकरेंस ऑफ F को, तो ऐसा कब होगा, जब E सबसेट होगा F का, जरूरी थोड़ी है सबसेट होगा, है ना, तो जरूरी नहीं है। अकरेंस ऑफ F विल इंप्लाई अकरेंस ऑफ E, ये भी जरूरी नहीं है। नॉन अकरेंस ऑफ E विल इंप्लाई नॉन अकरेंस ऑफ F, अच्छा इसको देखना पड़ेगा। सो नॉन अकरेंस मतलब यहां पे ये हो जाएगा, तो वो जरूरी नहीं है ना, अगर यहां से तुम अगर इसको वो करो मतलब यहां से तुम चेक कर सकते हो, तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ F कॉम्प्लीमेंट ऐसा आ जाएगा लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट, चेक करो जी, अब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे फिर वन ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, तो ये इधर आ जाएगी, तो ऐसा आ जाएगा, बट यहाँ जरूरी नहीं है, तो ये भी कोई जरूरी नहीं, F कॉम्प्लीमेंट सबसेट होगा E कॉम्प्लीमेंट का, है ना, F कॉम्प्लीमेंट वो बाहर वाला पोर्शन है तो वो भी जरूरी नहीं है, तो नन ऑफ द इंप्लिकेशन होल्ड। इसमें आंसर क्या है, डी ट्रू है, ये कुछ और है आदित्य, अच्छा जी ए और बी कैसा, तो यही हो जाएगा ना सब, ये इस तरह से मान लो ए बी ऐसा ये हो जाएगा, अगर मान लो ए सबसेट है बी का तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ये पूछे हुए कुछ और, हाँ
सब इवेंट। अच्छा तो सब इवेंट क्या, इवेंट सब्सिडी तो होता है, तो सब इवेंट क्या होगा उसका, सब्सिडी तो होगा कुछ अलग होगा। आप लिख के भेजो क्या कहना, मुझे समझ नहीं आ रहा सब इवेंट का क्या मतलब होगा। वो इवेंट एक सेट ही तो है, तो डिफाइन करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो वन बाय वन है बाकी लोग, फिर वापस टर्न आएगा। अच्छा ये जो तरुण ने भेजा, देखते हैं इसमें से कोई क्वेश्चन अभी करने लायक है, क्योंकि इसमें फर्स्ट और लास्ट तो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये मेजर थ्योरी थोड़ा इसमें यूज्ड है, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर पहला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि A company sometimes stop payment of quarterly dividends, है ना? तो if the company pays the quarterly dividend, the probability that the next one will be paid is 0.7. If the company stop quarterly dividend, the probability that the next quarter dividend will be not be paid. अच्छा, will not be paid. Okay, is 0.5. So the probability that the company will not pay quarterly dividend in long run. तो ये तो एक्चुअली उसका क्वेश्चन हो गया स्टोकेस्टिक प्रोसेस का, है ना? तो उसका एक फॉर्मूला भी आता है लॉन्ग रन प्रोबेबिलिटी का। हां जी तरुण, इस तरह क्वेश्चन पढ़ा आपने कि सर ये पिक प्रोबेबिलिटी वाली असाइनमेंट में था ना, तो मुझे लगा उसका है। ओ, उसने रख दी, इसमें डाल दिया होगा एक्चुअली। सो ये एक्चुअली लॉन्ग रन की बात कर रहा है एक्चुअली। सो लॉन्ग रन में जो है स्टोकेस्टिक प्रोसेस में एक कॉन्सेप्ट है पी की पावर एन एन टेंस टू इंफिनिटी वाला, तो उस पे एक्चुअली मिला। तो ये सब आउट ऑफ जैम सिलेबस एक्चुअली है। तो 40 वाला देख सकते हैं, 40 वाला क्या कह रहा है कि 5 पर्सन ए बी सी डी ई आर सीटेड एट रैंडम ऑफ 8 नंबर्ड चेयर व्हिच आर अरेंज्ड इन अ सर्कल। अच्छा तो 8 सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय एटलीस्ट 2 चेयर्स। ओके, एटलीस्ट 2 चेयर्स, तो इसका ट्राई कर सकते हैं। तो इसका कॉम्प्लीमेंट भी ले सकते हो, है ना? सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए बी आर सेपरेटेड बाय एटलीस्ट 2 चेयर्स, है ना? तो कॉम्प्लीमेंट होगा क्या, एटलीस्ट 2 चेयर कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? देखो ये 40 क्वेश्चन जो है, ये जो असाइनमेंट भेजा हुआ है तरुण ने, ये CSIR नेट का 2014 का पेपर है, ठीक क्वेश्चन है, ठीक है। सो तो इसमें बोला है आपसे कि 1%, देखो राउंड टेबल पे 8 लोग है ना, एक दो, मान लो इस तरह से रफली इस तरह बना लिया। सो 8% है, तो बताओ पहले तो ये बताओ कि ये 8, ये सर्कुलर जो क्या बोलते हैं इसे, परम्यूटेशन जो होता है, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ 8 ऑब्जेक्ट्स ऑन दिस सर्कुलर टेबल्स, सो टोटल नंबर परम्यूटेशन कितने होंगे? हाँ, सो टोटल जो होता है, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन वो n माइनस 5 है ना, n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो ये हो गया आपके पास 7 फैक्टोरियल, है ना? अब देखिए इसने आपसे पूछा है क्या प्रोबेबिलिटी है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए बी आर सेपरेटेड, ठीक है, अच्छा 5 लोग बैठे ना, सॉरी ये तो टोटल हो गया 8 लोगों के लिए ना, पहले तो आपको 5 यहां पे लोग बैठेंगे, तो उसके कितने तरीके होंगे? एक चेयर में से पहले 5 चेयर चुने होंगे, है ना? तो ये तो टोटल 8 लोग है उसका ये हुआ ना, बट आपको 5 लोगों को बिठाना, तो 5 पर्सन कितने तरीके से बैठ सकता है इस पे? सर 5
नहीं, एक्चुअली 8 चेयर है, तो उसमें से किसी भी प्रबंधन सर कॉम्बिनेशन सर कॉम्बिनेशन है सर 8 से 5 into 2 factorial 4। हाँ वैसे कर सकते हैं। हाँ सो यू फर्स्ट सेलेक्ट द 5 चेयर एंड देन ओके उसे ट्राई करके देख लेते हैं। तो क्या होगा, आपको बोला कि 8 चेयर ऑलरेडी है एंड 5 पर्सन उस पे बिठाना है, तो क्या कर सकते हो आप कि यू विल सेलेक्ट द 5 चेयर फर्स्ट, है ना। सो टोटल नंबर ऑफ मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, तो यहाँ 8c5 into 5 minus 1 4 factorial, तो ये आ गया। उसके बाद आपसे पूछा है इसने जो क्वेश्चन है ना, उसमें पूछा गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी है They are separated by at least 2 chairs, है ना? So A B are separated by at least 2. So A and B are separated by at least 2 chairs, है ना? तो डायरेक्ट निकालना मुश्किल है, इसका कॉम्प्लीमेंट ले लो 1 minus। अब बताइए इसका कॉम्प्लीमेंट का क्या मीनिंग होगा? Just probability 1 minus probability of एक चेयर पे दो लोग तो बैठ नहीं सकते, इसका क्या मतलब हुआ? They are separated by one chair, है ना? तो 1 chair का क्या मतलब हुआ कि adjacent? नहीं, अच्छा 1 या 0, अच्छा नहीं एडजेसेंट भी हो सकता है या एक चेयर पे डिफरेंस हो सकता है इस तरीके से। जीरो पे एडजेसेंट हो जाएगा। हाँ जीरो पे एडजेसेंट हो जाएगा, तो 1 chair है ना, तो एटमोस्ट 1 0 या ओके 0 या 1, तो जब ये एडजेसेंट है तब प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। सो अगर पहले ना इसमें ये हुआ कि एटलीस्ट 2 chair था, सो एटलीस्ट 2 chair यहाँ पे है, सो एटलीस्ट 2 chairs, तो यहाँ ये होगा कि they are adjacent और they are separated by 1 chair, है ना? So A and B are adjacent, ये तो ये है minus probability A and B are separated by 1 chair। Alternate लिख सकते हैं सर? जी हाँ, yes alternate मतलब एक छोड़ के ना। हाँ इस तरह से ऑल्टरनेट समझ सकते हैं। तो बताइए अब इसके कितने चांसेस होंगे? सो 1 minus है ना डिनोमिनेटर, तो ये तो पता है सैंपल स्पेस की, इसके फेवरेबल आउटकम काउंट करने हैं आपको। तो एडजेसेंट होने का क्या मतलब है, इसको आप एक एक ही मान लो दोनों को, है ना? तो आप दोनों को एक अज्यूम कर लोगे तो कितने लोग हैं आपके पास? अब 4 लोग हैं, सो 4 पर्सन कैन सिट इन हाउ मेनी वे? 3 factorial वे और राउंड सर्कल, ठीक है ना? एडजेसेंट का मतलब क्या है, आसपास है ना, तो उन दोनों चेयर को मान लो एक ही है अभी, तो आपके पास 5 लोग थे, तो अब एक मान लिया 4 लोग हैं, सो दे कैन सिट इन 2 factorial 3 factorial वेज, और वो अपना पोजीशन चेंज कर सकते हैं किसी तरीके से 2 factorial, और टोटल तो यहाँ है ही 8c5 into 4 factorial, लेकिन यहां पे 8c5 लगाना पड़ेगा क्या? सो सर अगर 5 सर अगर एक
सर बैठे रहे तो सर उसको एक मान लेंगे और फिर बाकी सर जो रिमेनिंग जो सीट्स हैं सर आपकी सर तीन हो गई तो ऐसे पांचों को एक साथ नहीं ये तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे कुछ और मल्टीप्लाई होगा सर ऊपर के कॉम्बिनेशन से मल्टीप्लाई होती है मतलब व्हिच फाइव सीट्स वी आर सेलेक्टिंग पहले सेलेक्ट करेंगे फिर करेंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली सात में से अब चूंकि मैंने एक साथ मान लिया दोनों को तो सेवन आपके पास सेवन एडजेसेंट होना चाहिए तो सेवन पोजीशंस हैं उसमें से आपको कितने चुनने हैं चार क्योंकि उसको एक ही अज्यूम किया हुआ है। ओके सर यहाँ पर हाँ यहाँ पर सी क्यों लगा पी ना लगा चाहिए सर क्योंकि आदमी भी तो एक दूसरे में एक दूसरे चेंज कर सकते तो उसी की वजह से फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना क्योंकि पहले हम सीट सेलेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद उस पे अरेंजमेंट कर रहे हैं तो जो फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो उसी के बदले है। ये तो ठीक है तो इसका यहां हो जाएगा और इसका क्या आएगा ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय वन चेयर तो एग्जैक्टली वन चेयर का गैप होगा है ना ये बताना है आपको। सो ऑल्टरनेट पोजीशन में हो सकता है ना ये सजेस्ट करो भाई कोई तो क्या होगा तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं अब एक चेयर है ना मतलब अल्टरनेट रहेगा तो ऐसे क्या ही उससे डिफरेंस आना चाहिए जैसे क्या होगा कि तुम्हारे पास मान लो कि में खाली भी रह सकता है या फिर कोई हो भी सकता है उसपे ऐसा है ना। हाँ सर कोई प्रॉब्लम नहीं तो हमें क्या करना है अल्टरनेट सीट पे उसको फिक्स करने हैं तुम्हारा तुमने ए और बी फिक्स कर दिए तो बाकी क्या होंगे वैरी करेंगे ना। ठीक है दो पोजीशन मान लो मैं फिक्स कर दिया सपोज यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है अभी फिक्स कर दिया सो बताओ कितने डिफरेंट तरीके से ये हो सकता है अब सो बाकी लोग कैसे अरेंज हो सकते हैं। सो आठ चेयर में से तुम्हारे पास दो चेयर तो फिल हो गया ना तो बच है ना तो सिक्स चेयर में से कितने चेयर चूज करोगे यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे जो सिक्स पोजीशंस खाली है उसमें से यू हैव टू सीट कितने तीन लोग हाँ बाकी दो हमने फिक्स कर रखा मतलब पहले फिक्स कर दिया मैंने तो उस केस में ठीक है इसको ट्राई करके देखते हैं
क्योंकि यहाँ ये थोड़े कॉम्बिनेशन में दिक्कत होता है ये काउंटिंग वाले में, इसको सोचना पड़ेगा काफी। सो फिर भी एक बार देख लेते हैं, अदरवाइज है ना बाद में सॉल्व करके फिर भेज दूंगा मैं, ये दोबारा डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन मैंने ट्राई पहले नहीं किए तो करके अभी देख रहे हैं। सो सर ओ सॉरी हाँ थ्री ना, तो तीन लोगों को हम क्या करेंगे, तो सिक्स सी थ्री हो गया आपका। सो आपने क्या किया, तीन चेयर चूज कर लिए बाकी सिक्स चेयर में से, वो ठीक है। अब वो तीन लोग कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, सर्कुलर टेबल पे टू फैक्टोरियल बेस में, एंड ये दोनों अपना पोजीशन चेंज कर सकते हैं टू फैक्टोरियल बेस में। जरा इसको सिंपलीफाई करके देखो क्या आता है, ये टू फैक्टर हो, बाकी तीन लोग हैं जो सर्कुलर टेबल पे है ना, n पर्सन कैन सीट ऑन सर्कुलर टेबल विद n माइनस वन फैक्टोरियल पे, तो उस तरीके से आ जाएगा मे बी। सो बाकी इसके जो असाइनमेंट नेट जा रहे वाले, पहले एक बार मैं सॉल्व कर लेता हूँ नेट वाले, फिर एक दिन सॉल्यूशन भेज दूंगा मैं, स्पेशली जो नेट वाले लोग हैं है ना, गेट नेट वाले, क्योंकि उसमें बहुत सारे जैम के बाहर के भी हैं, तुम्हारे जैम को अच्छा भी है, इसको कर लेना एक बार सिंपलीफाई होता है, अगर आंसर आता है ठीक है, नहीं आता है तो मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो देखना क्या आता है, अभी थोड़े जैम के ही क्वेश्चन देखते हैं क्योंकि बच्चे जैम के भी हैं। तो और किसने पूछा है, अच्छा लखराज ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछा है, ये क्या है, ये सब किस बुक के क्वेश्चन है भाई, अच्छा इसमें ये जो क्वेश्चन है जो पहला इसने भेजा है, अच्छा ये जो आदित्य ने पहले भेजा उसको देखते हैं एक मिनट दोबारा, ये क्या है कि इसमें तुमने कहा है कि अ प्रोबेबिलिटी दैट इंडिया विनिंग द टेस्ट मैच इज 1/2, अच्छा सो पी जो तुम्हारा है वो 1/2 है, ये क्वेश्चन नंबर 186 कुछ ऐसा नाम से है ना, 186 जो है, सो पी 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया विनिंग द टेस्ट इज 1/2 अज्यूमिंग इंडिपेंडेंस ठीक है फ्रॉम पास्ट मैच ऐसा कुछ है, the probability that in the 5-match series, तो 5 मैच में है ना, in the 5-match series, India's second win occurs at the third test, तो इसमें क्या होता है, so second win in at the third test, कौन सा distribution लगेगा यहाँ पे, पढ़ा था तुमने RH success है ना, नेगेटिव बाइनोमियल, सो इसने कहा है कि आरएथ सक्सेस ऑन है ना इस तरह एनएस ट्रायल, सो थर्ड टेस्ट, अच्छा सो द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ 5-match सीरीज, मतलब 5 मैच हो रहे हैं ना, उसमें से जो दूसरी बार जो विनिंग है वो तीसरे टेस्ट पे हो रहा है, सो ये तो है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड विन ऑन थर्ड टेस्ट एट द थर्ड टेस्ट, ये तो निकाला जा सकता है ना, सो थर्ड टेस्ट पे विनिंग है तो विनिंग की प्रोबेबिलिटी हाफ है, अब पहले दो में से एक बार जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी है, पहले दो में से एक बार जीतने की 2c1 p की पावर 1 q की पावर 1 यही ना, तो ये हो जाएगा, तो इसमें 5 का क्या यूज है, क्योंकि 4 बाकी पे क्या हो रहा है ऐसे कुछ पूछ भी नहीं रहा ना, वो तुमसे पूछ रहा है कि इंडिया सेकेंड विन अकर एट द थर्ड टेस्ट, तो सेकेंड विन एट द थर्ड टेस्ट या थर्ड मैच में बात कर रहा हूँ, थर्ड मैच की बात कर रहा हूँ एक्चुअली, ठीक है तो ये आंसर होना चाहिए, कितना आ जाएगा ये 1/4,
चेक करो भाई, यही आंसर है आदित्य? ठीक, तो इसमें फाइव का कोई रोल है नहीं एक्चुअली, हमें थर्ड टेस्ट पे दूसरी बार जीतने की प्रॉब्लम निकालनी, तो नेगेटिव बाइनोमियल का वो लगा लो, है ना, कि बिगिनर वाले में क्या होता है कि आपके पास नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट द आरएच सक्सेस, तो यहाँ पे सेकेंड सक्सेस आ रहा है थर्ड ट्रायल पे, सो उसमें तुम एक्स बराबर थ्री पे प्रॉबर्टी निकाल लो उस तरीके से, क्या या वैसे ही तुम सिंपली बिना पीएमएफ को भी लगा सकते हो, सो तो डिस्ट्रीब्यूशन लगा लो सिंपली के लास्ट विन का हाफ प्रॉबर्टी है, और पहले दो टेस्ट में, मतलब टेस्ट में मैच लेकर चल रहा हूँ, पहले दो मैच में एक बार जीतेगा वो, तो यहाँ मैंने बाइनोमियल यूज कर लिया, ऐसे ही पीएमएफ भी आता है निगेटिव बाइनोमियल का, तो ये आ जाएगा। ओके, बाकी और क्वेश्चंस हैं? हाँ जी साहिल, तो तुम्हारा रह गया कौन सा क्वेश्चन है ये, सो इसमें कौन सा बताने हैं? 83 वाला क्वेश्चन, तो 83 जो है वन मैं देखता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ एक एक पर्सन का एक एक क्वेश्चन ट्राई करूँ, है ना, क्योंकि ये सब वो क्वेश्चन जो मैंने पहले किए नहीं है, तो ट्राई करते हैं। सो एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन है ना, आपको पास दे रखा है पहला वाला, जो एफ है वो आपके पास है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू टू लॉग, है ना, एलियन नेचुरल लॉग है हमारे पास, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ई की पावर वाई बाई एक्स, ठीक, और ये कब है, जब एक्स मोर देन जीरो वाई मोर देन जीरो है, तो आपसे पूछ रहा है कि द वैल्यू ऑफ एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई, तो देखो अगर तुमसे पूछा जाए, चला इसको इधर बुलाओ, है ना, तो एफ अपॉन टू और लॉग को इधर बुला लो, ई किसके इक्वल होगा, बताओ भाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ई की पावर वाई बाई एक्स, और इसको मैं रीनेम कर दूं, अगर इसको मैं रीनेम कर दूं जी जी एक्स वाई, तो इसके बारे में क्या बोल सकते हो, क्या ये होमोजीनियस है, इज इट होमोजीनियस फंक्शन, हाँ ना, अब होमोजीनियस फंक्शन होता क्या है, अरे भैया होमोजीनियस फंक्शन जी कब होगा, जी ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इक्वल हो जाएगा लैम्डा की पावर एन जी एक्स वाई, चेक करो इस फॉर्मेट में फिट होगा कि नहीं होगा, और होगा तो बताओ एन क्या है, जी के बारे में बात कर रहा हूँ, इसके बारे में, ठीक है ना, ये होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री फोर की, यहाँ तो कैंसिल हो जाएगी लैम्डा, तो लैम्डा से, तो दिस इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री फोर, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री फोर, और बाई कौन सा था, आयलर थ्योरम ऑफ होमोजीनियस फंक्शन, तो उसको यूज करोगे, तो यहां से तुम्हारे पास एक्स टाइम डेल जी बाई डेल एक्स प्लस वाई टाइम डेल जी बाई डेल वाई किसके इक्वल होगा जी, एन जी, तो एन जी मतलब फोर जी, अब लेकिन तुम्हारा आंसर चाहिए एफ के टर्म में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आपको जी और एफ में भी रिलेशन पता है, कर दो पार्शियल डेरिवेटिव, सो देखो एक्स टाइम, अब डेल जी वाई डेल एक्स चेन रूल, तो जी को डिफरेंशिएट करो एफ के रेस्पेक्ट में, है ना, उससे हो जाएगा, कर सकते हो, सो ई की पावर एफ बाई टू, इसका डेरिवेटिव करो पहले एफ के रेस्पेक्ट में, फिर एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ई की पावर एफ बाई टू, और अब इसका डेरिवेटिव करो इंटू वन बाई टू डेल एफ बाई डेल एक्स, चेक करना भाई डिफरेंशिएशन, प्लस सिमिलरली y टाइम अगेन इसको डिफरेंशिएट करो g को y के रेस्पेक्ट में, तो e की पावर f by 2, तो e की पावर f by 2, और अब f by 2 का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में 1 by 2 del f by del y is equal to 4 time g तुम्हारा क्या है e की पावर f by 2, अब तुम f by 2 काट दो इसमें से, सो है ना, ये और ये कैंसिल, तो बचा क्या, हाफ को उधर भेजो, है ना, तो x डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस y डेल एफ बाई डेल y इज इक्वल टू कितना, 8 आ गया सर, 8 आ गया, यही आंसर है, हाँ यस सर, वो लोग की वजह से ये गड़बड़ हो गई,
तो जब भी क्या हो होमोजीनियस, इस तरह क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किया अलग हमने, सो जब भी होमोजीनियस ये वाला है तो एक्स्ट्रा जो चीज है उसको उधर भेजो और फिर नया फंक्शन नाम दे दो उसका। तो अब ये होमोजीनियस है तो इस पे हम वो थ्योरम लगा सकते हैं जो आइलर थ्योरम है होमोजीनियस फंक्शन के लिए। अब बाकी फिर इसको इस तरीके से कर लो। तो ये आपसे पूछा गया था। यस सर। ठीक है, और किसका रह गया? हाँ लग रहा है तुम्हें तीन चार क्वेश्चन भेजे, कौन सा ट्राई करें? पहला ट्राई करें, चलो ट्राई करते हैं। ये मुझे पहले भी किसी ने भेजा था, इसमें क्या है कंफ्यूजन, ट्राई कर लेते हैं। देखो तो ये जो 90 नंबर क्वेश्चन है जो इसने है पहला भेजा है, तो आपको ये बोल रहा है ए स्पीक ट्रूथ 4 out of 5 टाइम, है ना? तो मतलब ए जो 2 बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ए स्पीकिंग ट्रूथ, 80 का मतलब ए सच बोल रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 4/5, है ना? अब प्रोबेबिलिटी बी स्पीकिंग ट्रूथ ये दे रखा है 3 out of 4। अच्छा ओके, तो यहां से है ना ए स्पीकिंग फॉल्स, ये झूठ बोल रहा है ना, तो झूठ बोलने का फॉल्स ये लाई है ना, 1/5। हाँ वैसे आ जाएगा 1/5, है ना, बाकी वैसे निकाल लेंगे। एंड प्रोबेबिलिटी बी टेलिंग लाई और फॉल्स, सो लाई समझ लो, तो ये हो गया 1/4। अब आपसे ये पूछ रहा है एक्चुअली, ये क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि दे एग्री इन असर्शन दैट अ व्हाइट बॉल हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम द बैग कंटेनिंग 10 बॉल ऑफ डिफरेंट कलर्स। इसका क्या मतलब है कि उसमें 10 अलग अलग कलर के बॉल हैं और उसमें एक व्हाइट है। सब लोग देखो क्वेश्चन, ये जो लग रहा है पहला क्वेश्चन, सो 10 डिफरेंट कलर के हैं, एक इसमें व्हाइट है। ओके तो वैसे तो व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी फिर 1/10 हो जाएगी, है ना? ठीक है, और व्हाइट नहीं आने की मतलब 9/10 हो जाएगी। ओके तो अब पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट अ व्हाइट बॉल वाज रियली ड्रॉन, सो मान लो इवेंट ए है, सो व्हाइट बॉल इज, अच्छा रियली ड्रॉन ना, तो इसको ऐसा कर सकते हो E1 A2 ले लो, E1 है कि व्हाइट बॉल इज ड्रॉन और E2 है तुम्हारा व्हाइट बॉल इज नॉट ड्रॉन, है ना? अब बताओ तुम लोग, ए इवेंट है कि ए इवेंट क्या बोला हुआ है, तुम्हें क्या गिवन है कि दोनों एग्री करते हैं व्हाइट बॉल आया है, बोथ ए एंड बी एग्री दैट व्हाइट बॉल हैज बीन ड्रॉन, है ना? सो व्हाइट बॉल हैज बीन ड्रॉन, ठीक इस तरीके से, सो व्हाइट बॉल हैज बीन ड्रॉन। अब बताओ, तुमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन इवेंट ए, ए की जगह तुम कुछ नया नाम दे दो, लेट से ई ले लो, है ना, क्योंकि ए भी यहां पे चल रहा है इसलिए कंफ्यूजन होगा। सो E1 गिवन ई, सो ऐसे तो वो लग रहा है बेस थ्योरम यूज होगा, है ना? तो बेस थ्योरम यूज करोगे तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू ई गिवन E1 अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू ई गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू ई गिवन E2, ठीक? बताओ जी 1/1, तो ये सबने कैलकुलेट तो किए होंगे, सो यहाँ पे मुझे क्या क्या जरूरत है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, E1 तो सिंपली आ जाएगा क्योंकि E1 क्या लिया हमने, व्हाइट बॉल इज ड्रॉन, तो 3 डिफरेंट कलर के हैं तो व्हाइट आना चाहिए 1/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, व्हाइट नहीं आएगा तो 9/10, तो यहाँ तो ओके है। अब मेन आपको सोचना है इसके बारे में, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E1 क्या आएगा, आप सोचो यहाँ पे, तो E गिवन E1 का क्या मतलब है, अगर व्हाइट आया है सच में तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों एग्री होंगे कि व्हाइट आया है, इसका क्या मतलब हुआ? दोनों ने सच बोला तभी, है ना? सो व्हाइट आया है और दोनों बता रहा है कि व्हाइट आया है, एक्चुअली यहाँ पे मिल रहा है तो क्वेश्चन,
कितना आएगा? 1 upon 10 into 4 upon 5 into 3 upon 4. एक मिनट, 1 upon 10 into, अच्छा 1 upon 10 तब इसका बता रहे हो, हाँ. So, है ना, ये तो 1 upon 10 हो गया, तो मतलब यहाँ आप कह रहे हो कि 4 upon 5 into 3 upon 4, है ना, इसकी वैल्यू ए गिवन इवन की, है ना, यहाँ 1 upon 10 की है, ओके. So, मतलब ये है कि अगर व्हाइट आया है सच में, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों बता रहा होगा कि व्हाइट आया है, तो व्हाइट आया है और दोनों बता रहे हैं व्हाइट आया है. तो वो एक तो यहाँ पे होता है, या तो व्हाइट नहीं लिखता कि दे एग्री इस तरह से, बट बोला है कि दे एग्री ऑन द असर्शन दैट व्हाइट बॉल हैज बीन ड्रॉन. अच्छा दोनों झूठ बोल रहा हो तो क्या स्टेटमेंट ट्रू होता? तो ये दोनों सच बोल रहा है. अगर झूठ बोलेगा तो एग्री, है ना, दोनों अगर झूठ बोल रहा है तो ये भी तो हो सकता है दोनों झूठ बोल रहा हो. क्योंकि दोनों झूठा भी तो है ना, मतलब वो गलत भी तो बोल सकता है. तो मतलब व्हाइट आया है लेकिन वो एग्री कर रहा है, तो या तो दोनों सच बोल रहा है दोनों झूठ बोल रहा है, ऐसा हो सकता है. यस, तो उससे चार अलग अलग हो जाएंगे. नहीं नहीं, तो वो यहाँ पे एक्चुअली एग्री का मतलब ये हो गया कि दो, है ना, सच झूठ दोनों बोल रहा है ना, तो दोनों सच बोल रहा है तो भी व्हाइट पे एग्री हो गया होगा, या दोनों झूठ बोला होगा तभी व्हाइट पे एग्री हो गया होगा. तो यस, ये भी एक केस है, लेकिन वो केस तब है जब एग्री नहीं होंगे. अगर एक सच बोल रहा है, अच्छा मतलब एक बोल रहा है कि एक सच बोल रहा है एक झूठ बोल रहा है ना, लेकिन वैसे फिर एग्री नहीं होंगे ना. फिर वो जैसे व्हाइट आया और वो दोनों सच बोल रहा है, तो मतलब दोनों एग्री होंगे, मतलब दोनों, वो केस अगले वाले में यूज होगा एक्चुअली. ये मुझे लग रहा है इसमें यूज होगा. एक बार सोच रहा यहाँ पे, बोथ हाँ, मतलब एग्री होने का मतलब दोनों या तो झूठा है या दोनों सच्चा है उस केस में, मतलब दोनों एग्री हो रहे हैं, तो या दोनों ने गलत बोले हैं या दोनों ने सही बोले हैं, ये मतलब यहाँ पे हो गया. तो यहाँ पे आ जाएगा 4/5, 3/4 या 1/5 × 1/4. और दूसरा केस ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन ई टू, तो इसका ये मतलब आया कि व्हाइट नहीं आया, स्टिल दे एग्री. सर ई का मतलब क्या ना, स्टिल दे एग्री. कि व्हाइट आया, ऐसा क्या मतलब हुआ? या क्या इसका ये मतलब होता, क्वेश्चन पता नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन है. बाकी बताओ, जिन लोगों ने ट्राई किया वो बताओ, क्या ये केस यहाँ पे होगा या नहीं होगा? इसमें आएगा ये ए एंड बी एग्री दैट व्हाइट बॉल है, हैं? व्हाइट बॉल ड्रॉन, व्हाइट ड्रॉन, सिर्फ एग्री नहीं है. सो यहाँ मीनिंग क्या है, यहाँ मीनिंग अगर व्हाइट आया तो क्या प्रोबेबिलिटी है दोनों एग्री हो रहे हैं कि व्हाइट आया, इसका मतलब क्या दोनों सच बोल रहे हैं, ये मतलब हुआ? Yes, sir. क्योंकि जस्ट एग्री नहीं है, एग्री क्या हो रहा है कि व्हाइट बॉल ड्रॉ हुआ है, इस पे एग्री हुआ ना. सोच लो एक बार, देख लो कि दोनों एग्री हो रहे हैं कि व्हाइट आया है. ऐसे तो चार केस वो है कि, है ना, एक दोनों सच बोल रहा है या दोनों झूठ बोल रहा है, एक सच एक झूठ बोल रहा है, इस तरह चार केसेस हैं. बट यहाँ पे देखना आपको कौन सा वाला यूज होगा, है ना. सो इवन ई गिवन इवन है, तो अगर जो इफ सच में व्हाइट आया, सो क्या प्रोबेबिलिटी वो दोनों एग्री होंगे कि व्हाइट आया है, तो मतलब दोनों सच बोल रहे हैं इसका मतलब, तो ये होना चाहिए. और ई गिवन ई टू का क्या मतलब है, ई गिवन ई टू का मतलब है कि ई टू का मतलब ये हो गया कि व्हाइट नहीं आया एक्चुअली, है ना, तो कोई दूसरे कलर का बॉल आया होगा, कोई दूसरे कलर का बॉल आया होगा, बट बोथ एग्री दैट व्हाइट बॉल हैज बीन ड्रॉन. यस सर, तो इसका मतलब क्या, दोनों झूठ बोल रहा है. ये कोई और केस भी हो सकता है, देख लो.
एक बार देखो क्या कुछ और भी हो सकता है, तो अपना लॉजिक बताओ अगर सोच सकते हो तो। क्योंकि ये 2% वाला केस हो गया ना, तो यहाँ पे 1% होता कोई दिक्कत नहीं था। सो दोनों एग्री हो रहे हैं कि व्हाइट ही आया है ना, दे जस्ट डोंट एग्री ऑन द सेम थिंग, दे जस्ट एग्री कि व्हाइट जो सेकंड वाला है इसमें दोनों एग्री कर रहे हैं कि व्हाइट नहीं आया है, तो फिर इसकी प्रोबेबिलिटी ये कैसे होगी? नहीं नहीं, दोनों एग्री नहीं कर रहे व्हाइट नहीं आया, इसका मतलब ये हुआ ए गिवन ई टू का मतलब ये गिवन पता है। सो मतलब आप इस सिचुएशन में बात कर रहे हैं ई टू के कंडीशन में, मतलब यू नो दैट व्हाइट बॉल इज नॉट ड्रॉन, ठीक है, तो आपको पता है कि व्हाइट नहीं आया है, द क्या प्रोबेबिलिटी है इन दैट केस दैट बोथ विल एग्री दैट व्हाइट बॉल हैज बीन ड्रॉन, मतलब यू नो व्हाइट बॉल हैज नॉट बीन ड्रॉन, बट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल एग्री दैट व्हाइट बॉल हैज बीन ड्रॉन? सो दोनों एग्री कब होंगे इसका क्या मतलब है? व्हाइट आया नहीं है लेकिन वो कह रहे हैं कि व्हाइट आया, दोनों है ना एग्री हो रहे हैं, झूठ बोला मतलब सर दोनों ने, हाँ लग तो ऐसे रहा है कि दोनों झूठ बोला है। तो अगर ये पुट करो तो आंसर इससे शायद आंसर मैच नहीं होता, कुछ बच्चों ने भेजा था सॉल्यूशन बट इसे आंसर इससे मैच हुआ नहीं था, है ना, बट कोई आंसर गलत भी होते हैं कई बार, ऐसा कोई प्रॉपर सॉल्यूशन कई बार देखो जो क्वेश्चन फ्रेम किया है वो उसका अपना इंटेंशन होता है किस तरह से फ्रेम किया है। सो हालांकि इससे कोई भी ऑप्शन आता नहीं है शायद या मैच नहीं करेगा, तो ये कौन से बुक का सोल्यूशन है, गुप्ता कपूर का है क्या ये? सो मुझे तो यही लग रहा है, अब इससे देख लो जो भी आंसर आता है ये होना चाहिए क्योंकि ट्रूथ मतलब सही तो मुझे यही लग रहा है, बाकी इसका मैं देख सकता हूँ बाद में और कुछ अगर होगा तो। सर ऐसे भी लगा वर्ड्स का आंसर मैच नहीं होता, हाँ तो गलत भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कई बार उसमें भी गलत होते हैं या उसने पता नहीं कि सॉल्व किया हो, या हो सकता है हम लोग वो सोच नहीं पा रहे जो ऐसा है, बट देख सकते हैं कोई बात नहीं, जरूरी सब कुछ जानना है, ट्राई कर सकते हैं जितना हो सकता है। ठीक है आगे बताओ, नेक्स्ट देखते हैं और डिफरेंट पर्सन का। अच्छा बी एल अग्रवाल का है, ओके तो इसमें क्या सॉल्यूशन नहीं है, आंसर की बस है, तो ठीक है चलो आगे। सो अब फिर वापस आते हैं आगे दूसरे को, जो उन लोगों ने क्वेश्चन भेजे उनका वापस देखते हैं। तो ये राघविंदर ने बहुत सारे डाउट भेजे थे, देखो ये वन बाय वन ट्राई करते हैं। तो एक तो किया था हमने शुरू वाले, उसके बाद दूसरा जो इसने क्या पूछा हुआ है 46 नंबर, या उससे पहले ये है, नेक्स्ट देखो इसने नेक्स्ट क्या पूछा हुआ इसने, एक क्वेश्चन ये है कि ये नंबरिंग तो नहीं है यहाँ पे जो भी क्वेश्चन नंबर है। सो यहाँ पे तुमसे बोला एक्स एन बी अ रियल सीक्वेंस सच दैट 7xn+1 इज इक्वल टू xn³+6 इस तरीके से, और आपसे पूछ रहा है कौन सा ट्रू है, तो इसमें सीक्वेंस की आपसे लिमिट पूछी गई है ना, ये कहाँ कन्वर्ज करेगी। तो पहला ऑप्शन एक्चुअली ये है कि कह रहा है कि अगर x1 आपका 1/2 है तो जो सीक्वेंस की लिमिट है, या ऐसा समझो कि xn कन्वर्जेस टू 1। दूसरा ऑप्शन जो गिवन है x1 जब 1/2 है तो उस केस में xn कन्वर्जेस टू 2। तीसरा ऑप्शन है जब x1 3/2 है so xn converges to 1, and चौथा ऑप्शन है जब x1 3/2 है then xn converges to -3। चलो चेक कर सकते हो आप लोग। सर इसमें मेरा सर डाउट ये था सर, लिमिट के देखेंगे सर x और n क्यूब सर, सिर्फ तीन रूट्स तो आएंगे तो सर तीनों सर सेटिस्फाई तो कर तो रहे हैं, लेकिन सर x1 जो रिकमेंड क्या करेंगे? नहीं वो उस पर भी चेक करना पड़ेगा, ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है उसके हिसाब से, अगर कोई सीक्वेंस इंक्रीजिंग है तो वो सुप्रीमम पे कन्वर्ज करेगी अपने, अगर कोई सीक्वेंस डिक्रीजिंग है तो इनफिमम पे कन्वर्ज करेगी, तो जहाँ वो कन्वर्ज कर रही है वो उस नेचर के हिसाब से ना, कई बार ऐसा होगा कि वो इंक्रीजिंग है पहला टर्म हाफ है और लिमिट तुम्हारी जीरो आ गई, ऐसा हो ही नहीं सकता ना, कि अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस है जिसकी पहला टर्म हाफ है तो जीरो लिमिट तो हो नहीं सकती है,
तो वो आउट हो जाएगा उस केस में। आपको देखना है वो टर्म्स वहां कन्वर्ज कर भी सकती है कि नहीं कर सकती है, ठीक है ना। जैसे मान लो हाफ है, सपोज पहला ऑप्शन के बारे में सोचिए, सो जब x1 को आप हाफ रखते हो तो मुझे बताओ x2 क्या आती है इसमें, आप x1 को हाफ रखो x2 बताओ क्या आएगी। सर मैं अभी कर रहा था ये 49/56 आ रहा है, मतलब रफली 0.5 से तो बड़ा ही रहा है। अच्छा 0.875 ओके, तो ये आपका 0.875। फिर आप x3 फाइंड करोगे इससे भी ज्यादा है, इसका मतलब 0.5 है 0.5, देख एक बार चेक कर लेना तुम लोग। हाफ रखो xn को, x1 को हाफ रखो x2 निकालो, सो अगर ये आ रहा है तो ये इंक्रीजिंग है इसका मतलब ना। हाँ अब यहाँ से तुम लिमिट मान लो l है, तो xn अगर l पे कन्वर्ज करेगी तो xn प्लस 1 भी l पे कन्वर्ज करेगी, तो 7l इज इक्वल टू l क्यूब प्लस 6। तो यहाँ से इसको तुम सॉल्व कर सकते हो, तो इसको सिंपलीफाई करो, क्या तीन वैल्यू आ रही है बताओ भाई। सर अब तुम चेक करो कि ये इसकी लिमिट क्या हो सकती है, तुम ये देखना है। तो यहाँ पे पहले तुम्हें एक आइडिया लगाना पड़ेगा, तो माइनस थ्री तो ऐसे ही नहीं हो सकती है ना। सर ये तो हट गया। अब वन टू में से डिसाइड करना है। बाउंडेड अबव किससे होगी? हाँ से देख लेते हैं। ये तुम चेक कर सकते हो कि इसका अपर बाउंड क्या है, तो उससे डिसाइड हो जाएगा। अच्छा तो ये इसके बारे में बात कर रहे हो आप? हाँ बिना मॉड के तो क्या आएगा, सो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, चेक करो। एक्स एन क्यू माइनस 7xn, एक्स एन घटा रहे हो तुम, तो क्या बता रहे थे बताओ, फाइनली सिंपलीफाई करके मुझे लगा 7 से डिवाइड होगा ना। माइनस सेवन डिवाइडेड बाय 7 से बड़ी नहीं जा रही, मतलब 1 से ऊपर जाएगी नहीं, 0.9 0.9 ऐसे यहीं पे रुक। हाँ, तो वन पे ही कन्वर्स थर्ड टर्म इस तो 0.95 आ रहा है। सकता है So, अगर तुम अपर अमाउंट इसका चेक कर लोगे, xn प्लस 1 तुम्हारा है 1/7 xn क्यूब प्लस 6/7, यही है ना, तो ये तुम्हारे पास है। और xn तुम्हारा पॉजिटिव है ना, जो xn है वो तुम्हारे पास, क्योंकि x1 पॉजिटिव है तो बाकी सारे टर्म पॉजिटिव होंगे, और xn तुम्हारा लेस देन 1 है ना, देखो तो वो तो गया। So, x1 तुम्हारा लेस देन 1 है, इसको तुम अगर रिकर्सिवली सॉल्व करो, रिकर्सिवली अगर सिंपलीफाई करोगे तो क्या होगा, सो कहीं ना कहीं ये लेस देन इक्वल टू तुम्हारा 1/7 प्लस 6/7 होगा, इससे एक बाउंड आ जाएगा तुम्हारे पास। यस सर, इंडक्शन से कर सकते हो तुम कि x1 तुम्हारा लेस देन 1 है ना, x1 तुम्हारा क्या है 1/2 जो कि लेस देन 1 है। इंडक्शन मेथड क्या होता है कि x1 लेस देन 1 है, xk अज्यूम कर लो, तो यू अज्यूम xk इज लेस देन 1, नाउ यू विल ट्राई फॉर xk प्लस 1, तो xk प्लस 1 इज दिस 1/7 xk क्यूब प्लस 6/7, ठीक। अब तुमने अज्यूम किया xk लेस देन 1 है तो उसका क्यूब भी लेस देन 1 होगा, किस नंबर फोर्थ नंबर लेस देन 1 है तो उसका क्यूब का तो लेस देन 1 ही आएगा। सो उस लॉजिक से xk क्यूब kth टर्म जो है तो यहां से आ गया 1/7 प्लस 6/7 जो कि 1 आ गई। तो यहां से मैंने ये दिखा दिया इंडक्शन से कि सीक्वेंस के हर टर्म के अपर बाउंड क्या है 1 है और लोअर बाउंड 0 है, मतलब 0 1 के बीच है टर्म सारी, तो 1 है तो लिमिट कभी 1 से ज्यादा तो हो नहीं सकती, तो इसलिए आंसर यहां 1 हो गया, ठीक। मेरा क्वेश्चन था जी सर, एग्जाम से शेप लेटर आउट है ना जी,
तो सर सीधा सर एक दो वैल्यू सर डाल के सर जैसे एक्सेल करके सर सेट से सर x3 x4 निकाल के सर देखें कहां कन्वर्ट्स कर रही है। यस यस वैसे भी कर सकते हो आप ये जब वैसे तो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आएगी। हां वो ट्राई कुछ टर्म्स निकालोगे एक आईडिया मिल जाएगा आपको एक सीक्वेंस का, तो इस तरह से। अदरवाइज ये ओके हो गया तो आपके क्वेश्चन का आंसर ये है। ओके थैंक यू सर। हां सर सी भी देख दो। अच्छा एमएसक्यू है क्या ये? तो थ्री बाई टू वन से ज्यादा है ना यहाँ पे तो उससे भी आ जाएगा आई थिंक ना। सो थ्री बाई टू वन से ज्यादा है तो जब एक्स वन को थ्री बाई टू रखोगे तो क्या हो रहा है? सो एक्स वन थ्री बाई टू है तो एक्स टू कितना आ रहा है? 1.33 और ये 1.5 है ना? हाँ चेक करते हैं। नहीं नेगेटिव होगी कभी ये? डिक्रीजिंग है ना, तो ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। वो जब आपका x1 हाफ है जो कि लेस देन 1 है तो सीक्वेंस क्या थी? इंक्रीजिंग थी और अपर बाउंड इसका 1 है। अब क्या है आपके पास कि जो सीक्वेंस है ये डिक्रीजिंग हो रही है, अब ये डिक्रीज कर रही है। और इसी लॉजिक से मैं प्रूव करूंगा। तो जब आपने ये देखा x1 मोर देन 1 है, ठीक, आप अज्यूम करोगे xk मोर देन 1 है, तो उसी लॉजिक से अगर आप प्रूव करोगे तो इस सीक्वेंस की लोअर बाउंड 1 आ जाएगी, ठीक है। तो xk प्लस 1 जो है, जो कि है xk क्यूब बाई 7 प्लस 6 बाई 7, तो चूंकि x1 मोर देन xk मोर देन इक्वल टू 1 है तो ये मोर देन इक्वल टू 1 बाई 7 प्लस 6 बाई 7 जो कि 1 आ जाएगी। तो मतलब ये जब आपका x1 मोर देन 1 है तो उस केस में इस सीक्वेंस की जो लोअर बाउंड है वो 1 है। इनफैक्ट है ना इन्फीम जाके तो ये उससे नीचे तो जा नहीं सकती, कन्वर्ज है ना, कहां पे कन्वर्ज करती है वो? कोई सीक्वेंस अगर डिक्रीजिंग है तो वो लिस्ट अपर बाउंड, क्योंकि सुप्रीम होता है सॉरी, तो वो डिक्रीजिंग है तो क्या होगा? लार्जेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ना, तो वो आपको 1 पे कन्वर्ज कर जाएगी। ये भी इनमें से फिर 1 पे ही कन्वर्ज कर जाएगी, ठीक है ना। 1.5 1.3 ये डिक्रीज हो रहा ना, 1.5 1.3 डिक्रीज होती जा रही है। और लोअर बाउंड इसका मुझे पता है कि हर टर्म 1 से छोटी नहीं हो सकती, 1 से ज्यादा ही होगी, तो 1 पे ही जाके कन्वर्ज कर जाएगी। सो 1 इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाएगा, इसको इन्फिमम बोलते हैं। तो इन्फिमम 1 है तो कोई भी डिक्रीजिंग सिक्वेंस अपने इन्फिमम पे कन्वर्ज करती है, कोई भी इंक्रीजिंग सिक्वेंस सुप्रीम पे कन्वर्ज करती है। तो सो इन्फिमम मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, सुप्रीम मतलब लिस्ट अपर बाउंड। सो ठीक है, तो इसका अब एम एस क्यू है ना, तो मोर देन 1 ऑप्शन चेक करोगे ये भी ट्रू हो जाएगा, फिर भी दोनों केस में ये 1 ही पे कन्वर्ज करेगी। सर सर जहां तक सीक्वेंस की बात है सर, जी सर सीक्वेंस सर डिक्रीज होके सर नेगेटिव तो जा सकती है? डिक्रीज होके वैल्यू सर वैल्यू उसकी जा सकती है, लेकिन सर एन सर है वो तो सर ग्रेटर देन इंक्रीजिंग ही होगा, तो लेकिन यहाँ से कभी ऐसा नहीं होगा कि नेगेटिव आ जाएगा, तुम्हें सीक्वेंस देख के समझ आएगा। वो ऐसा जनरली कब होगा? जब कहीं माइनस का साइन बीच में है, तो वो यहाँ पे क्या होगा, ये कभी नेगेटिव नहीं जाएगी क्योंकि आप क्यूब हो रहा है, क्यूब से वैल्यू कम हो रही है बस ना। जैसे कोई नंबर 0 1 के बीच है, तुमने क्यूब लिया था, क्यूब लेके और कम हो गया ना वो, लेकिन वो इतना कम नहीं होगी, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब किसी पॉजिटिव नंबर का आप कितना भी पावर करते जाओ तो पॉजिटिव ही रहेगा ना, बट ऐसा होगा जब बीच में माइनस साइन है या ऑल्टरनेटिव सीक्वेंस है माइनस 1 की पावर n टाइप का, उसमें मल्टीप्लाई है, तब वैसा होगा। अदरवाइज इसमें कोई भी टर्म नेगेटिव कभी भी नहीं आएगा। आप x1 कुछ भी ले लो पॉजिटिव में तो वो सीक्वेंस हमेशा पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस रहेगी, क्योंकि यहाँ प्लस 6 है ना, तो डिवाइड करो, कभी ये टर्म नेगेटिव नहीं होगी यहाँ पे, यहाँ पे नहीं होगी। हो सकती है जो आप कह रहे हो बीच माइनस का साइन होता तो उस तरह से कुछ ऐसा होता, ठीक है। यस सर। हाँ
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है वही देख लेते ना और क्या है तो बाकी ठीक है शुरू से ही देखते हैं और जो क्वेश्चन आए थे राघवंदर के क्वेश्चन और देख लेते हैं जो उसने भेजा था शुरू में बाकी आगे और देखते हैं जो जो भेजा है उस ऑर्डर में देख लेते हैं तो यहाँ पे तुम्हारे पास जो 46 से भेजा हुआ है क्या लिमिट n टेंस टू इनफिनिटी एट n माइनस 1 बाई n इसकी पावर है आपके पास माइनस 1 की पावर n बाई n बताइए जी क्या होगा नहीं 1 बाई n स्क्वायर है यहाँ पे ना सो ये माइनस 1 की पावर n बाई n स्क्वायर पावर में ठीक है सो इस तरह से आ जाएगा बताओ ये तो मुश्किल नहीं लग रहा चेक करो लॉग ले लो आंसर आ रहा है किसे सॉल्व किया ये तो भेज दो सॉल्यूशन भेज दो लॉग ले लो फिर हो जाएगा आई थिंक है ना ठीक है सर इसका जिसने सॉल्व किया सॉल्यूशन भेज दो जो भी क्वेश्चंस आए तुम जो भी है सॉल्यूशन भेज दो एक बार है ना अच्छा ये रामासीस कौन सा पूछ रहे हैं सो ये कह रहा है कि एन अर्थ बाकी जो भी है ना एक दूसरे का हेल्प करो उसका तुम्हारा प्रैक्टिस होगा इस तरह से है सो एन और अनसॉल्व्ड क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस डालो ज्यादा अच्छा है जैसे कोई नया क्वेश्चन मिला उसको अप्रोच लो ट्राई करो होना हो कोई जरूरी 100% मार्क्स थोड़ी लाने हैं या सबको सब कुछ थोड़ी आता है लेकिन तुम ट्राई कर सकते हो जितना तुम कर सकते हो उतना तो कोशिश करना ही चाहिए सो एन अर्न कंटेन्स 5 व्हाइट 4 ब्लैक बॉल्स ठीक है सो इन्होंने जो है ना 8th क्वेश्चन जो इन्होंने पिन के ग्रुप में पोस्ट किया है तो ये क्वेश्चन है कि एक अर्न है जो कंटेन कर रही है 5 व्हाइट और 5 ब्लैक बॉल सॉरी 4 ब्लैक बॉल सो 5 व्हाइट एंड 4 ब्लैक बॉल आपके पास है 5 व्हाइट एंड 4 ब्लैक बॉल्स 4 बॉल्स आर ट्रांसफर्ड टू अ सेकेंड अर्न इसमें से 4 आपने ट्रांसफर किए 4 बॉल्स आपने ट्रांसफर किए ये अर्न 1 है अर्न 2 है ऐसा समझो ठीक 4 बॉल आपने यहां से यहां ट्रांसफर किए अ बॉल इज देन ड्रॉन फ्रॉम दिस अर्न सेकेंड से आपने फिर यहां से एक बॉल आपने ड्रॉ किया ठीक है यहां से यहां 4 ट्रांसफर हुआ पहले और एंड इट हैपेंस टू बी ब्लैक आपको गिवन है यहाँ पे कि जो बॉल ड्रॉ हुआ मान लो इवेंट ए बोल देता हूँ कि जो ड्रॉन बॉल है फ्रॉम अर्न टू इज ब्लैक ठीक सो ये आपको दे रखा है कि जो बॉल ड्रॉ किया अर्न टू से वो ब्लैक है ना अर्न टू या तो ऐसे लिख लो अर्न टू से वो ब्लैक है और आपसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल फ्रॉम द सॉरी फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल फ्रॉम अमंग द रिमेनिंग 3 अच्छा एक मिनट ये क्वेश्चन क्या पूरा समझा नहीं क्या मैं एक मिनट क्वेश्चन था कि एन अर्न कंटेन्स 5 व्हाइट 4 ब्लैक 5 व्हाइट 4 ब्लैक 4 बॉल्स आर ट्रांसफर टू सेकेंड अर्न 4 आपने उसमें ट्रांसफर कर दिए एंड ठीक है और उसमें से फिर एक बॉल आपने ड्रॉ किया और वो ब्लैक आया ठीक है एक बॉल आपने ड्रॉ किया वो ब्लैक आया सो गिवन है और पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल फ्रॉम द अमोंग द रिमेनिंग 3 फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल फ्रॉम अमोंग द रिमेनिंग 3 सो मीन्स व्हाट अब एक और बॉल ड्रॉ कर रहा है इसे मतलब कहना चाह रहा ना कि एक और बॉल ड्रॉ सर चार डाल दी ना तो उसमें देखना पड़ेगा क्या क्या डाली है उसके हिसाब से पूछ रहा है हाँ तो ठीक है ना तो उसके हिसाब से क्या होगा यहाँ हो सकता है जीरो जीरो व्हाइट एंड 4 ब्लैक ई टू हो सकता है 1 व्हाइट एंड है ना इस तरीके से सो जीरो व्हाइट प्लस 4 ब्लैक हो सकता है 1 व्हाइट 3 ब्लैक हो सकता है फिर 2 व्हाइट 2 ब्लैक हो सकता है यहां से 3 व्हाइट 1 ब्लैक हो सकता है और पांचवी कंडीशन है नहीं अभी मैं लिख दिया पॉसिबिलिटीज ये टोटल पॉसिबिलिटी है बिना इसको देखे
कि क्या आया। अभी हमने देखा कि यहां से जब मैं चार ट्रांसफर कर रहा हूं तो वो क्या क्या हो सकता है, तो ये पांच पॉसिबिलिटी टोटल है। अब उसके हिसाब से जीरो हो जाएगी, अलग बात है। अब आपसे इसने पूछा है कि एक बॉल ड्रॉ किया और वो ब्लैक आया, तो ये पूछना क्या चाह रहा है आगे, जो लास्ट लाइन है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ तो वो बाद में दिया ना, मैं अगर वो लाइन नहीं पढ़ा होता, सिर्फ ये बोलता कि हम इसमें चार बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, हमने वो नहीं पढ़ा बाद में क्या आया। अभी ये है कि यहाँ से चार बॉल ट्रांसफर किए, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, ये अलग बात है। आप जो कहना चाह रहे हो मैं समझ रहा हूँ, आप ये कहना चाह रहे हो कि एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ e5 गिवन e 0 हो जाएगा, ये e5 गिवन a 0 हो जाएगा, ठीक है ना, वो ओके है। तो ये प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी जो आप कहना चाह रहे हो, इसलिए वो केस जो आप कह रहे हो नहीं होगा, वो इस वजह से, क्योंकि अगर है ना, अगर बॉल ब्लैक ड्रॉ हुआ है तो क्या प्रोबेबिलिटी ऐसा हुआ होगा, तो ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी 0 है, बट ये एक वन ऑफ द पॉसिबिलिटी है, पार्टीशन है, ठीक है। और बाकी भी निकाल सकते हो ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ e1 गिवन a, ये सब आप फाइंड कर सकते हो इजीली, इस तरीके से यू कैन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ e2 गिवन a, इस तरह से फाइंड कर सकते हो। बट तुमसे यहां पूछा गया है लास्ट में, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल फ्रॉम द अमोंग द रिमेनिंग 3। अब एक ब्लैक ड्रॉ हो गया इसमें से, तो बचे तीन है ना, तो बचे तीन, तो उसमें से व्हाइट ड्रॉ करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये क्वेश्चन है ना। ओके, तो मतलब कहने का यहाँ भी मतलब समझ लो कि वन व्हाइट एंड वन ब्लैक ड्रॉ करना, ये समझ लो यहाँ पे ऐसा है, ऐसा कि वो गिवन है, तो तुम्हें ड्रॉ करना है कि एक व्हाइट भी आएगा, तो वो कब होगा ऐसा, जब एक व्हाइट एक ब्लैक कम से कम गया हो इसमें, है ना। क्वेश्चन क्लियर है तुम लोगों के, नहीं पहले ये प्रॉब्लम निकाल लो। चलो e1 गिवन a का मतलब है कि अगर तुमने मतलब अगर ऐसे ट्रांसफर हुआ तो क्या प्रॉब्लिटी है कि उसमें जीरो व्हाइट और चार ब्लैक है। हाँ हाँ ग्रुप में है ना, नहीं है, देखो इस लास्ट जो लास्ट है, अच्छा मैं किस ग्रुप से उठा लिया भी देखना पड़ेगा ना, तो ग्रुप में आया कि नहीं, अच्छा मैं किसी और ग्रुप का सॉल्व कर दूंगा क्या, ये कौन से ग्रुप में था, ये पर्सनली मिल जाए, पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से उठा रहा था, क्वेश्चन भी खो गया, एक मिनट, ये किस ग्रुप में था, पर था तेरा मासिस है इस ग्रुप क्लास में, अभी उसका नाम दिख रहा था मुझे, हाँ तो आपने भेजा था ना शायद, ये कहाँ पे भेजो, दोबारा भेजो एक बार, क्वेश्चन खो गया। अब हो जाएगा, आगे सॉल्व हो जाएगा, तो तुम ये नहीं कर, ये फाइंड कर लो तुम लोग पहले, इवन गिवन ए का मतलब क्या होगा देख करो, सो उससे आ जाएगा। हाँ यही ना, ये क्वेश्चन है, देखो एक बार ग्रुप में ट्रैक कर दिया है ना, वही मिल गया, कहीं ना कहीं दिखा था ये क्वेश्चन, ठीक है। सो देखो यहां से पहले ये फाइंड करो, इवन गिवन ए क्या होगा, ये तो इजी है निकालना ना, इवन गिवन ए, सो you are given that the ball drawn from the second urn is black, so what is the probability that this was the case of transferring, so simply tumne transfer kiya char black, kitne black the, char mein se charo black chale gaye hai na, total kitne the 9 mein se 4 transfer kiya aapne, theek hai 5 mein se 0 gaya, so ye hai aise hi probability of e2 given a, agar aap find karo probability of e2 given a, so yahan pe kya hoga कि अगर एक बॉल ट्रांसफर हुआ है ना, ड्रॉ हुआ था ब्लैक,
ठीक है ना। हाँ ओके, ये मतलब ईवन की प्रॉपर्टी वाला निकाल रहा हूँ, एक मिनट ये मैं जो निकाल रहा हूँ सही लिख रहा था ना, पर चेक कर लो पर ईवन की प्रॉपर्टी क्या होगी। अच्छा मैं अलग अलग वो निकाल रहा हूँ पहले, सॉरी। सो प्रॉपर्टी ऑफ ई, वो जो फाइंड कर रहा हूँ ईवन ई टू फाइंड कर रहा था मैं, इससे कर लेते हैं। जो अभी मैं लिख रहा था एक्चुअली ये लिख रहा था, ये तो निकल जाएगा सबसे, ये फाइंड कर लोगे ना, ये देख लो ये हो जाएगा। ये जस्ट ट्रांसफर की प्रॉपर्टी है ना, देखो तो ये तो जस्ट ट्रांसफर की, सॉरी मैं पहले देखो ये ट्रांसफर, ये क्या लिखा हूं मैं कि जो आपने ट्रांसफर किया इसके पॉसिबिलिटीज लिखे थे मैंने कि 0 व्हाइट एंड 4 बॉल्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस टू दिस। तो इसको मैं फिर से पहले ये करता हूं फिर वो करूंगा जो अभी कर रहे थे, ई1 गिवन है ई2 गिवन है ना, सो वो तो बाद में व्हाइट ड्रॉ हो रहा था। सो 5 व्हाइट 4 ब्लैक है ठीक है ना, तो मैं कहते हैं 0 तो 5c0 4c4 ये एक्चुअली पहले मैं यही फाइंड कर रहा था, गलती से गिवन लिख दिया था ये। सो फाइंड मैं यही कर रहा था कि ट्रांसफर होने की क्या प्रॉबिलिटी, पहले तो ये निकालने पड़ेंगे ना कि ये चार बॉल में इसकी क्या प्रॉबिलिटी है, इसकी क्या प्रॉबिलिटी है। तो ये होगा 9c4, ऐसे ई2 की फाइंड करोगे तुम्हारा 1 व्हाइट हुआ, कितने व्हाइट थे यहाँ पे, 5 व्हाइट में 1 व्हाइट ट्रांसफर हुआ तो 5c1, 4 ब्लैक में 3 ब्लैक ट्रांसफर हुआ टोटल अपॉन में 9c4। अगेन ऐसे यहाँ पे होगा e3 में क्या है कि तुम्हारे पास 5 व्हाइट है, 2 व्हाइट ट्रांसफर हुए, 4 ब्लैक में से 2 ब्लैक ट्रांसफर हुए और अपॉन में आपके पास है ठीक है 5 में से 2, 4 में से 2 ट्रांसफर हुए एंड देन 9c4। इस तरीके से आ जाएगा। e3 में क्या है कि E1, E2, E3, अब ये E4 होता ना, E4, E5, so ये लिख लो। E4 की प्रॉपर्टी क्या होगी ट्रांसफर होने की, E4 मतलब 3 व्हाइट और 1 ब्लैक ट्रांसफर हो रहा है, तो कितने व्हाइट है, 5 में से 3 व्हाइट ट्रांसफर हो रहा है और 4 में से 1 ब्लैक ट्रांसफर हो रहा है एंड टोटल 9 में से 4 ट्रांसफर हुआ है ना, और यहाँ E5 में सो 5c4, 5 व्हाइट में 4 व्हाइट एंड 4c0, तो ये 1 ही हो जाएगा, ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, 4c0 एंड 9c4। तो ये एक्चुअली E1, E2, E3, E4 की इंडिविजुअल प्रॉबिलिटी है और ये क्या है पार्टीशन है कि 4 बॉल ट्रांसफर हुआ अर्न 1 से अर्न 2 में ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक्चुअली यहां पर तुमसे जो पूछा गया वो नई चीजें पूछी गई ना, वहां पूछा है क्या प्रॉबिलिटी है कि एक और बॉल ड्रॉ किया और वो व्हाइट होगी है ना, व्हाइट होने की प्रॉबिलिटी, दूसरी बॉल ड्रॉ की और व्हाइट होने की क्या प्रॉबिलिटी है। पहला ब्लैक गिवन है तुम्हें तो मतलब वही वो E5 वाली पॉसिबिलिटी आउट हो जाएगी। तो एनीवे बात अगर इसकी पूछा होता जनरली जो पूछते हैं लोग कि क्या प्रॉबिलिटी है, इनमें से एक प्रॉबिलिटी पूछता है जनरली जो पूछा जाता है ना। सो अगर तुम ये जो मैं फाइंड शुरू में कर रहा था दिस, तो इसका क्या मतलब है बताओ जरा, ये तो इसकी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर ये मतलब एक्चुअली कि ये वाला केस अगर हुआ तो क्या प्रोबेबिलिटी है ब्लैक आई हुई है ना। सो अगर पहले वाले केस में ब्लैक की क्या प्रोबेबिलिटी है, सो 4 बॉल इसमें है और चारों ब्लैक है तो 4/4 तो ये तो 1 आ जाएगी। ए गिवन ई टू का मतलब हुआ कि अगर ये वाला केस अगर हुआ है सो ट्रांसफर जो हुआ है 1 व्हाइट 3 ब्लैक है और 1 ब्लैक ड्रॉ करने हैं तो ब्लैक की कितनी फेवरेबल केसेस है, 3/4 यहाँ हो जाएगी, 2/4 यहाँ हो जाएगी, 1/4
बढ़िया हो जाएगी 0/4 जो लोग कह रहे थे ना, तो इस तरह से है। सो ये तो एक इवन, एक बार चेक कर लो, डाउट है तो पूछो। इसमें जो अभी कैलकुलेशन किया है इसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अब मेनली जो क्वेश्चन पूछा आगे आपसे है ना, जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि अब एक बॉल ड्रॉ कर रहे हो तुम यहाँ से इसमें से, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो व्हाइट होगी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल फ्रॉम अमंग द रिमेनिंग थ्री। तो एक बॉल ड्रॉ किया जा चुका है ना, तो एक ब्लैक निकल चुका है, अब कितने केसेस हैं इसमें, यहाँ पे रिमेनिंग थ्री में से तुम्हें ड्रॉ करने हैं। सो क्या क्या पॉसिबिलिटी है बताओ। तुम लोगों से समझ आ रहा है, वो अभी कह रहे क्या था, ये केसेस थे। अब तुम्हें बता दिया कि ये बॉल्स इसमें ट्रांसफर होंगे, एक बॉल ड्रॉ किया और वो ब्लैक था तो वो आउट हो गया, तो बचे कितने। पहला केस में क्या होगा, यहाँ थ्री ब्लैक बचे होंगे, हाँ जीरो व्हाइट, मतलब जीरो व्हाइट थ्री ब्लैक, यस जीरो व्हाइट थ्री ब्लैक। अब क्या क्या केसेस बचे हैं बताओ, वन व्हाइट टू ब्लैक, टू व्हाइट वन ब्लैक, थ्री व्हाइट जीरो ब्लैक, ठीक ओके। बाकी तो ये केस पॉसिबल ही नहीं था, उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो थी। अब आप क्या कर रहे हो, ये केसेस हैं आपके पास है ना, तो अब मान लो ये इसका नया नाम तुम कुछ इवेंट रख लो, E1 E2 E3 4 तो मैं नाम दे ही चुका हूं। तो अभी एक्चुअली ये पीछे वाला स्टोरी समझा रहा था बोला, अब यहां से क्वेश्चन ये मेनली इसका सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। अब तुम देखो कि तुम्हारे पास एक बॉल ड्रॉप किया और वो ब्लैक था, वो आउट हो चुका है, तब तुम्हारे पास ये केसेस हैं, चार केस है E1 E2 E3 4 अब मान लो ऐसा है, ठीक है ना। अब नया अब आपसे पूछा गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी है एक बॉल में ड्रॉ करूं और वो व्हाइट आ जाए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट व्हाइट बॉल, तो इसका क्या मतलब, मान लो अभी मैं नया नाम दे रहा हूँ E1 E2 E3 E4 है, तो ये किससे सॉल्व होगा, इसमें से मल्टीप्लिकेशन से पहले। हाँ हाँ टोटल प्रोबेबिलिटी ये सॉल्व कर लो। अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है ना, ई आईज सो जीरो व्हाइट थ्री ब्लैक है ना, सो एक बॉल ड्रॉ हुआ था और वो है ना, क्वेश्चन बहुत इन्होंने घुमाया है। सो यहां पे अब तुम बताओ, सर कोई भी दूसरे से बंदा नहीं, नहीं वो नहीं आएगा, 1/4 नहीं होगा, इसका रिलेशन अब इसके साथ होगा। ये तो इसलिए निकाल लोगे, देखो ये प्रोबेबिलिटी जो है ना, इस केस में तुम्हें व्हाइट निकलना है, तो व्हाइट कितना है 0/4, यहाँ व्हाइट 1/4, यहाँ व्हाइट 2/4, यहाँ व्हाइट 3 है, एक बॉल ड्रॉप किया व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी, यहाँ 0/3, यहाँ 1/3, यहाँ 2/3 और यहाँ 3/3, ये ओके है, ये ड्रॉ हो जाएगा। इसकी प्रॉबर्टी आपको निकालनी है, इसको मुझे नया नाम दे सकता हूँ मैं, FI लिख लो चाहो तो। सो मान लो मैं FI लिख देता हूँ तत्काल के लिए। सो ये इवेंट FI है। अब व्हाट इज प्रॉबर्टी ऑफ F1? बताओ, ये क्वेश्चन काफी ना कॉम्प्लिकेट किया है। सो F1 का मतलब क्या हुआ कि ये इस केस की प्रॉबर्टी क्या है कि आपके पास पहले चार केस थे, एक बॉल ड्रॉ किया वो ब्लैक आया है ना, ये गिवन है आपको, तो क्या प्रोबेबिलिटी है, पहला केस था, तो यहाँ पे तुम्हें एक्चुअली बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये ऐसा क्वेश्चन कहाँ मिल गया तुम्हें, अच्छा रोहितगी में है ये, ओ अच्छा क्या क्या F1 हाँ A इंटरसेक्शन ई आई, अच्छा नहीं मैं बता देता हूँ, देखो वो भी ट्राई कर सकते, तुम ट्राई करके देखना, बट अभी बताता हूँ क्या है, जो F1 होगा, ये जो केस F1 है, सो मुझे लगता है प्रोबेबिलिटी ऑफ F1 जो आएगी, जो F1 वहां लिखा है मैंने, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग है ना
given that it was black when this. So ये actually कुछ ऐसा है, तुम्हें निकालना है even given A, ये कुछ ऐसा है. Probability of F2 का मतलब हुआ probability of E2 given A. F3 का मतलब हुआ probability of E3 given A. मैं नोटेशन चेंज कर रखा हूँ, ये E1 E2 E3 है, ट्रांसफर हुआ था. A था कि एक बॉल ड्रॉ किया था वो ब्लैक है, अब दूसरा बॉल ड्रॉ किया तो उसकी बात कर रहे हैं आगे हम, ठीक है ना. सो एक दूसरा बॉल ड्रॉ किया वो व्हाइट है, उसकी प्रॉबर्टी निकालना चाह रहे हैं. तो यहां से ये आएगी. अब क्वेश्चन है ये सब प्रॉबर्टी कैसे निकालोगे तुम, ये सब प्रॉबर्टी कैसे आएगी, ये वाली. बताओ जी, मान लो F1 की इसकी प्रॉबर्टी कैसे निकालोगे. हाँ, E1 into A given E1 upon, so पहले यहाँ पे लगाओ तुम बेस थ्योरम, यहाँ पे बेस थ्योरम लगाओ इसकी प्रॉबर्टी आएगी, यहाँ पे बेस थ्योरम लगाओ, यहाँ पे बेस थ्योरम लगाओ, यहाँ पे बेस थ्योरम लगाओ. अब ये जो प्रॉबर्टी आई उस पे टोटल प्रॉबर्टी यूज करना, ये चूंकि ये टोटल प्रॉबर्टी आता मतलब बेस थ्योरम इस पे लगाओ ना, प्रॉबर्टी ऑफ E1 into A given E1 upon प्रॉबर्टी ऑफ A भी तो लिखोगे, है ना. प्रॉबर्टी ऑफ E1 इंटरसेक्शन A अपॉन A, प्रॉबर्टी ऑफ E1 इनटू A गिवन अपॉन प्रॉबर्टी ऑफ A. प्रॉबर्टी ऑफ A कहां से आएगी, तो A भी तो निकालनी पड़ेगी तुम्हें, तो टोटल प्रॉबर्टी लगाओ यहां पे. सो क्लियर हुआ भाई नामासी साहब का डाउट नहीं. अब ये कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा यहां पे. जनरली जो क्वेश्चंस अब तक मिलते हैं वो आपको इनमें से कोई एक पूछता है, लेकिन इसने इसके अगला स्टेप भी कर दिया, पहले इन सबको यूज करवा रहा है आपको वहां पे, ठीक है. तो इस तरह का केस है. तो आप पहले ये फाइन करो, फिर वहां से ये एफ आई इसकी प्रॉपर्टी आएगी, और ये इजी है अगर, है ना. यहाँ पे आप पहले ये आपको ये तो क्वेश्चन काफी है ना, लेंथी कर दिया इसने. सो एफ वन एफ टू एफ थ्री एफ फोर है. जैसे आपसे पूछा जाएगा प्रॉबर्टी ऑफ गेटिंग व्हाइट इन केस ऑफ एफ वन, तो एफ वन ये वाला है, ठीक है. एफ वन एफ टू एफ थ्री एफ फोर, तो ये इजी है कि एक व्हाइट ड्रॉ करो तो जीरो व्हाइट है आउट ऑफ थ्री. प्रॉबर्टी ऑफ गेटिंग व्हाइट आउट ऑफ एफ टू, तो 1 by 3. Probability of white out of F3, तो probability 2 by 3. Probability of getting white out of F4, है ना. So यहाँ से आ जाएगा probability आपका 3 by 3. इस तरीके से ये fourth वाला केस आप नहीं भी लिखोगे, fifth वाला केस चलेगा, क्योंकि उधर का एक ब्लैक आया जैसे आप शुरू में कह रहे थे, तो वो भी चलेगा. अदरवाइज क्योंकि ये जीरो ही आ गया एट द एंड, तो इस तरीके से. तो आप इस केस को हटा भी सकते हो इस वाले केस को, क्योंकि वो फिजिबल है नहीं यहाँ पे, है ना. क्योंकि ब्लैक तो निकलेगा नहीं, आप गिवन है कि ब्लैक आया है, तो यू कैन एक्सक्लूड दैट आल्सो केस, फिर भी आंसर वही आएगा. ये पूरी स्टोरी अब इसमें पुट करो, है ना. ये क्वांटिटी फाइंड कर दिया है, ये आपको फाइंड करना है. अब इन दोनों के हेल्प से ये आ जाएगा प्रॉपर्टी ऑफ एफ वन इंटू वाइट गिवन एफ वन, वाइट में तो वाइट ड्रॉ करना, प्रॉपर्टी ऑफ एफ टू वाइट गिवन एफ टू एंड सो ऑन, ठीक है. नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट. हाँ तो ये हो जाएगा, सॉल्व कर लो इससे आंसर आ जाएगा, मैच भी हो जाएगा. ओके, प्रीतम पूछ रहे हैं सर, सुपीरियर और लिमिट सुपीरियर में डिफरेंस क्या है. सुपीरियर और लिमिट सुपीरियर, देखो लिमिट सुप्रीमम जो होता है, लिम सुप और सुप, ये पूछ रहे हैं सुप्रीमम और लिम सुप्रीमम, हां लिम सुप में डिफरेंस. सो जो लिमसुप मोर देन वन वैल्यू आ सकती है, है ना. सॉरी लिमसुप आता होता है, सॉरी सर, मोर देन वन नहीं है कि, अच्छा लिमसुप में और सुप में क्या डिफरेंस है बताओ पहले तुम लोग बताओ भाई. मतलब सुप्रीम क्या होता है, सीक्वेंस के जो टर्म्स है उसकी, तो जैसे मान लो साइन तुम्हारे पास या सीक्वेंस, जैसे मान लो चलो एक मैं ले लूंगा अगर मैं consider 1 by n, है ना, ये sequence है. So what is, this is suppose xn. So what is supreme of xn? कितना आएगा? तो ये तुम्हारा 1 आ जाएगा ना, supreme मतलब क्या, least upper bound. लिस्ट अपर बाउंड 1 आ जाएगी ना, क्योंकि इसमें टर्म्स हैं 1, 1 by 2, 1 by 3, डॉट डॉट डॉट,
तो ये आपके जो सुप्रीम जो है वैल्यू वैल्यू इज अपर बाउंड, तो इसका अपर बाउंड तो कोई भी है 1 2 3 4 5 6, 1 से ज्यादा कोई भी नंबर एक अपर बाउंड है, जो लिस्ट अपर बाउंड है जिसको सुप्रीम बोलते हैं ये आपका 1 है। अब आपको लिमसुप का क्या मतलब है, हाँ अब तो ये तो सुप्रीम का मतलब हो गया लिस्ट अपर बाउंड है ना, तो इसका मीनिंग है लिस्ट अपर बाउंड, लिस्ट अपर बाउंड। ठीक, अब बताओ इसमें लिमसुप क्या होगा जी, जी आंसर बताओ इसका। एक्चुअली लिमसुप हम किसके डिफाइन करते हैं सर, सबसीक्वेंस, सबसीक्वेंशियली जो लिमसुप का कॉन्सेप्ट है वो कब है कि जब आपके पास कोई बाउंडेड सीक्वेंस है जनरली और जितने भी सब सीक्वेंसेस हैं तो उस सब सीक्वेंस की लिमिट्स कलेक्ट करो और जो लार्जेस्ट लिमिट होगी है ना वो लिमसुप होती है, और जो है ना वो लिमसुप का डेफिनेशन बता रहा हूँ कि इसमें क्या होता है कि जितने भी सब सीक्वेंस है, जिसका मतलब होता है कि सो ये जो एक्चुअली होता है लार्जेस्ट अमोंग लिमिट्स ऑफ सब सीक्वेंसेस, ठीक है ना, तो जितने भी सब सीक्वेंसेस होंगे उन सब सीक्वेंसेस के जो लार्जेस्ट लिमिट होगी वो लिमसुप है। सुप्रीम क्या होता है सिंपली कि उस सीक्वेंस का लिस्ट अपर बाउंड है एक्चुअली, ठीक है। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल भी देखें, -1 की पावर n वाला ही सीक्वेंस है, लेट्स से ये yn है, तो इसमें फिर से इसके पास क्या है, व्हाट इज द सुप्रीम ऑफ x yn सर, 1 यहां भी 1 है, एंड व्हाट इज द लिमसुप हियर सर, वो भी 1 होगा, ठीक है ना, सर 1/n में भी सर वो भी तो 1 होगा ना सर, हाँ लेकिन इसके पास सब सीक्वेंस क्या है, नहीं नहीं 1/n में 1 नहीं होगा, क्या आएगा सर इसमें, सर ग्रेटेस्ट सब सीक्वेंस लिमिट ऑफ an होता है ना सर, सर में बहुत सारे सब सीक्वेंस अगर ड्रॉ करेंगे 1/3 सर 1/5 ऑड वाला लेके तो वहां आपको लिमिट देखनी पड़ती है, लिमिट क्या 1/n की लिमिट कितनी है, देखो सो लिमसुप ऑफ एक्स एन जो होगा वो 0 होगा, ठीक है, जबकि सुप ऑफ एक्स एन 1 है, ठीक है, सुप्रीमम ऑफ वाई एन 1 है और लिमसुप ऑफ वाई एन भी यहाँ पे 1 है, ठीक है। सिमिलरली चलो इसकी बात हुई तो इन्फिनियम की बात कर लेते हैं, सो यहाँ लिमिट लेना है, यहाँ पे क्या आपको लिमिट लेना है, n टेंस टू इन्फिनिटी पे बात हो रही है, लिमसुप में क्या है n टेंस टू इन्फिनिटी पे बात हो रही है, और ये इन जनरल टर्म वाइज बात हो रही है, जैसे आपको यही चीज है जो मैं इसके लिए लिखा हूं, इन्फिनियम की बात करते हैं, बताओ इनफिमम ऑफ एक्स एन एंड लिमिन ऑफ एक्स एन, सुप्रीमम ऑफ वाई एन एंड लिम इन ऑफ, सॉरी इनफिमम की बात कर रहा हूं मैं, सुप्रीम तो हो गया, सो इनफिमम ऑफ वाई एन एंड लिम इन ऑफ वाई एन, बताइए यही दोनों सीक्वेंस है आपके पास। नाउ यू हैव टू टेल कि एक बार तुम लोग ट्राई करो, एक्सएन की इन्फिमम क्या है, इस एक्सएन की इन्फिमम वैल्यू कितनी है, इन्फिमम सर 0, 0 यस, लिमिन ऑफ एक्सएन 0, 0 यस, इन्फिमम ऑफ वाई एन सर -1, लिमिन ऑफ वाई एन सर ये -1 सर एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों यूज नहीं करेगा, इसके पास दो, इसके पास कितने, टू सब सीक्वेंसेस है ना इसके पास, तो हां सर
तो एक 1 1 1 चल रहा है अल्टरनेट, एक 2 2 2 सॉरी -1 -1 चल रहा है, तो n टेंस टू इंफिनिटी पे बात करनी है लिमिट पे, तो दो सब सीक्वेंस हैं, दोनों की लिमिट फाइंड करो और उनकी लिमिट को कंपेयर करो, जो छोटी वाली है तो वो लिमिट होगी, जो लार्जर है वो लिमसुप होगी, तो बताओ आप क्या होगी -1 ओके okay, अब एक चीज नोटिस करो, यहाँ जो लिमिट है वो -1 है और यहाँ लिमसुप है वो 1 है, ऐसा क्यों हो रहा है सर? क्योंकि कन्वर्जन नहीं है सर ये, करेक्ट ठीक है। तो अभी जो क्वेश्चन पूछा था किसी ने कि सुप में लिमसुप में क्या डिफरेंस है, तो लिमसुप में क्या करते हैं, इंटेंस इन्फिनिटी पे बात करते हैं ठीक है। और यहाँ पे देखो लिमिट ऑफ xn भी 0 है और लिमसुप ऑफ xn भी 0 है, ऐसा क्यों हो रहा है? इक्वल क्यों आया दोनों? कन्वर्जेंट है, जबकि आप देखो इसका इन्फिमम 0 है और इसका सुप्रीमम 1 है, xn की इन्फिमम 0 है सुप्रीमम 1 है, लेकिन लिमसुप लिमिट दोनों 0 है। तो एक थ्योरम था ना, आपने पढ़ा होगा थ्योरम कि अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, अ सीक्वेंस xn इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ लिमसुप ऑफ xn इज इक्वल टू लिमिट ऑफ xn, ठीक है? यस सर। हाँ, तो सुप्रीमम लिमसुप डिफरेंस क्या है कि सुप्रीमम क्या है, जो टर्म्स देख रहे हो आप, टर्म्स में जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो सुप्रीमम, लिस्ट अपर बाउंड सुप्रीमम है, लेकिन लिमसुप में आप क्या देख रहे हो कि n टेंस टू इंफिनिटी पे जो सीक्वेंस यहां कन्वर्ज कर रही है सब सीक्वेंस, एक्चुअली 1/n के पास एक ही सब सीक्वेंस है वो खुद है और कोई दूसरा सब सीक्वेंस है भी नहीं, सॉरी वैसे नहीं बोल सकते मैं, सॉरी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस की हाल की बात कर रहा हूँ, सॉरी मतलब एक ही कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है वो खुद ही है ना, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, जैसे यहाँ पे -1 की पावर n है तो इसके पास 2 कन्वर्जेंट सब सीक्वेंसेस हैं, है ना, आप समझ पा रहे होंगे मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, -1 1 -1 1 -1 1 --, तो ये टर्म्स अगर आप कलेक्ट कर लोगे ऑड टर्म्स तो ये एक सीक्वेंस है जो कि कन्वर्जेंट है, और इवन टर्म्स आप कलेक्ट कर लो वो भी एक सीक्वेंस है जो कि कन्वर्जेंट है, तो इसके पास 2 सब सीक्वेंसेस है और दोनों कन्वर्जेंट है, फिर क्या होता है अगर डिफरेंट सब कन्वर्जेंट सब सीक्वेंसेस हैं तो उस कन्वर्जेंट सब सीक्वेंसेस की लिमिट निकालोगे और फिर लिमिट निकालोगे जो लार्जेस्ट लिमिट है दैट इज द लिमसुप, जो स्मॉलेस्ट लिमिट है दैट इज द लिमिट। अब ये जो 1/n वाली सीक्वेंस है इसके पास कोई दूसरी खुद ही एक सब सीक्वेंस है जो कन्वर्जेंट है, ऐसी कोई दूसरी सब सीक्वेंस ऐसा कन्वर्जेंट नहीं है, मतलब मैं अगर प्रॉपर उस तरीके से बात करूं इसमें बात कर रहा हूं मैं, है ना, या कुछ टर्म के बाद सारे जीरो के पास ही जाएंगे, तो मतलब कहने का मतलब कोई दूसरी लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगी, तो यहां लिमसुप लिमिट दोनों सेम ही रहेगा यहां पे, मतलब वो आपने देखा 0 0 आया है। एनीवे तो ये रिजल्ट आई थी, जो क्वेश्चन था उसका आंसर तो मिल गया होगा ठीक है ना, तो है ना, तो ये मेनली जो आप पूछ रहे थे इससे क्लियर हो गया, किसका डाउट था ठीक है जी, समझ आया जो पूछा आपने ठीक। अभी क्या डाउट, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ प्रीतम जी, तो क्वेश्चन हो जाएगा ये वाला जो आपने पूछा है, ये करो सवाल, इसको मैंने इन्फिनिटी पे रखा था तो वही 3 और 1 ही आ रहे थे, इसमें ए सुप्रीमम और बी लिमसुपम में क्या डिफरेंस है, इसको आंसर दे रहा था मैं, चलिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं हम। सो ये जो क्वेश्चन है आपका 59 हैं, इसका आंसर सर डी होगा सर। ओके सो देखते हैं एक बारी ट्राई कर लेते हैं, तो कह रहा है कि जैम एमए 2018 का है ना, 59 क्वेश्चन है। सो एन आपको सीक्वेंस कुछ इस तरह से गिवन है, 2 ± 1 raised to power n - 1/2 and whole upon में n, ठीक? And एक है 1 + 1/2 की power n, और ये कब है? अगर n जब odd है, और ये कब है? जब n आपका even है, ओके? चलिए, तो पूछा है कि supremum of n and infimum of n, तो इसके terms अगर आप collect करो, कुछ terms देखो ध्यान से, तो अगर मैं बात करूं a1 की, तो a1 क्या है? n को 1 रख दो, सो 2 प्लस कितना 1, तो ये आ गया 3, और a2 तो यहां से आ रहा तुम्हें दिख ही रहा है, सो a2 1 + 1/2n है, हां फिर a3 यहां से फाइंड करोगे तो ये 2 + 3 रखना ना n को,
टू बाई टू वन, सो माइनस वन बाई चेक कर लो क्या आया, सही है ओके। सो टू और ए थ्री फाइंड करो आप, टेन को थ्री रखो तो माइनस वन बाई थ्री, सो ये आ जाएगा ओके। सो ये फाइव बाई थ्री, मतलब ये डिक्रीज कर रही है आप, मतलब अभी डिक्रीज की है, फिर आगे वैल्यू चेंज होगी, जैसे ए फाइव निकालोगे तो वो अलग होगी। सो ए फाइव अगर तुम देखोगे तो so कितना आएगा, टू प्लस वन बाई फाइव, सो इस तरीके से है ना। तो एक बार टू प्लस वन, टू माइनस वन बाई थ्री, टू प्लस वन बाई फाइव, अगला आएगा टू माइनस वन बाई सेवन, फिर अगला आएगा, मतलब इस ऑर्डर में बात कर रहा हूँ ना, टू प्लस वन, टू माइनस, यहाँ टू प्लस वन बाई वन था, टू माइनस वन बाई थ्री, टू प्लस वन बाई फाइव, टू माइनस वन बाई सेवन, टू प्लस वन बाई नाइन, एंड सो वन चलता रहेगा ओके। यहाँ ये तो इसी ऑर्डर में है, तो इसका जी सर जब ऑड है n, तब तो हमेशा माइनस वन टू द पावर n माइनस वन बाई टू ऑलवेज पॉजिटिव होगा ना, मतलब स्क्वायर में आएगा। n ऑड है नहीं, ये जो n माइनस वन बाई टू है, n ऑड है ना, तो ये मान लो टू एम प्लस वन टाइप का है, तो इसको देखो n माइनस वन बाई टू क्या m हो जाएगी, कोई भी इंटीजर आ सकती है, तो ये तो कोई भी इंटीजर आएगी है ना। यस सर। This is 2m plus 1, तो यहाँ n minus 1 by 2 is like m, m can be any natural number, इस तरह से, so alternatively आती रहेगी, okay, और यहाँ ये कुछ 2m form का है आपके पास, okay, अब थोड़ा option से बात करते हैं, तो यहाँ a2 निकालोगे simply 1 plus 2 square है ना, 1 plus 1 by 2 square, a4 निकालोगे 1 plus 1 by 2 4, तो ये तो decreasing है, ये subsequence decreasing है, तो इसकी लिमिट n टेंस टू इनफिनिटी पे 1 आ जाएगी है ना, और इसमें क्या होगा, इसमें भी n टेंस टू इनफिनिटी को लिमिट 2 आ जाएगी है ना, n टेंस टू इनफिनिटी पे। और चलो तो ऑप्शंस देख लेते क्या कह रहे हैं, तो आपको फाइंड करना है इस सीक्वेंस an का, सो नाउ यू नीड टू फाइंड, ठीक है देखो, सो आपको क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द सुप्रीमम ऑफ an, व्हाट इज द सुप्रीमम ऑफ an, एन का सुप्रीमम बताओ जी, तो सुप्रीमम मतलब समझ आया कि जितने भी टर्म्स हैं उसका लिस्ट अपर बाउंड बताओ है ना, क्योंकि ये वैल्यू टू प्लस वन बाई थ्री टू इस तरह से, ये थ्री यही लार्जेस्ट है ओके, और बाकी यहां पे घटता रहेगा तो थ्री आ गया ओके। और क्या पूछा ऑप्शन में, इनफिमम ऑफ एन, एन की सबसे छोटी वैल्यू, मतलब इनफिमम का मतलब हो गया ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जितने लोअर बाउंड हो सकते उसमें सबसे बड़ा, लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, सो देख लो वैल्यू ये वन से ज्यादा है इधर, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो वन से कम तो कभी आएगी नहीं ना, मतलब जो सबसे है ना मिनिमम वैल्यू जो अटेन कर सकती है फंक्शन या जहां अप्रोच कर सकती है, मतलब ये है, सो वो वन ही होगी है ना, क्योंकि ये टू के आगे पीछे ऑसिलेट कर रहा है ये, और ये वन से थोड़ा ज्यादा है तो n टेंस टू इनफिनिटी जीरो, तो वन ही आएगी ओके, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है ना, तो वन होगी फाइन। अब आपसे पूछ रहा है कि लिमसुक ऑफ ए एन, तो लिमसुक का मतलब ये होता है जितने भी सब सीक्वेंसेस हैं, सो यहां टू सब सीक्वेंसेस है, एक देखो यहां से एक आएगी टू माइनस वन बाई एन, टू प्लस वन बाई एन, ये दो अलग अलग, एक सब सीक्वेंस है टू माइनस वन बाई एन, एक सबसीक्वेंस है 2 plus 1 by n, और एक यहाँ पे है 1 plus 1 by 2n, तो इसके इस सीक्वेंस के पास 3 कन्वर्जेंट सबसीक्वेंसेस हैं, ठीक, इस सीक्वेंस के पास 3 कन्वर्जेंट सबसीक्वेंसेस हैं। अब इन्हीं सबसीक्वेंसेस की लिमिट निकाल लो, जो लार्जेस्ट आएगी वो लिमसुप है, जो स्मॉलेस्ट आएगी वो लिमइन्फ है, ठीक, तो बताओ लिमसुप कितनी आएगी, लिमसुप कितना है और लिमइन्फ कितना है बताओ भाई, लिमसुप टू आएगी, लिमइन्फ मैं कहा तीन सबसीक्वेंस है ना यहाँ पे, एक सबसीक्वेंस है टू प्लस वन बाई एन, एक है टू माइनस वन बाई एन, और एक है वन प्लस वन बाई टू एन, तो ये लिमिट है टू, इसकी लिमिट है टू, इसकी लिमिट है वन, तो इसमें लार्जेस्ट कौन है टू, तो टू इज द लिमसुप, स्मॉलेस्ट कौन है वन, तो वन इज द लिमइन्फ,
है ना, लिमिट लिमिट्स ऑफ एन टेंस टू इनफिनिटी की बात होती है, ठीक है ना। सो हो गया, तो आंसर आया कि नहीं, इतना ही और ज्यादा चाहिए कुछ? देख लो भाई ऑप्शन बताओ। हो गया, क्या ऑप्शन करेक्ट है? ए है ना, ओके ठीक है। सो लिम्सुप लिनिफ लिमिन्फ जो है वो सब सीक्वेंसेस के टर्म्स में हालांकि डिफाइंड है, ओके, और मेनली कन्वर्जेंट सब सीक्वेंसेस के टर्म्स में। नेक्स्ट रामासी, अच्छा वीके रद की सॉल्व कर रहे हो? अरे वीके रद के बहुत सारे ऐसे डिफिकल्ट डिफिकल्ट एग्जांपल्स हैं एक्चुअली, उससे पहले थोड़ा आसान बुक कर सकते हो आप, इसने थोड़ी कॉम्प्लिकेट किया है, बट आप ट्राई कर सकते हो, क्या दिक्कत है? आपने ट्राई किया? यस सर, ट्राई किया सर। तो कौन से वाला डाउट, 12th में कौन से पार्ट डाउट है? फर्स्ट पार्ट। द फर्स्ट पार्ट, चलिए। सो ये कह रहा है कि इन अ 5 कार्ड पोकर गेम फाइंड द, तो यहां पोकर गेम ले लो, वहां एक्सप्लेन किया होगा क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ हैंड विल हैव एस किंग क्वीन जैक एंड 10 ऑफ द सेम सूट। तो पहले तो पोकर कार्ड गेम का पहले बताओ रूल क्या है, पोकर गेम में क्या होता है, एक बार चेक करो पीछे लिखा होगा जो नहीं, वो थ्योरीज में लिखा हुआ है, ऐसा नहीं क्वेश्चन दे दिया ऐसे ही, जो पोकर गेम को एक्सप्लेन किया हुआ थ्योरी में, अब देखोगे ना जो जहाँ थ्योरीज लिखा हुआ है उस बीच में कहीं ना कहीं इस पे एक स्टेटमेंट लिखा होगा कि पोकर गेम का मतलब क्या है, ठीक है। यहाँ जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है कि एंड टेन ऑफ द सेम सूट, 5 कार्ड पोकर गेम फाइन, तो पूछ रहा है आपसे हैंड विल हैव रॉयल फ्लश, है ना, एस किंग क्वीन जैक एंड 10 ऑफ द सेम सूट। अच्छा मतलब 5 कार्ड आप ड्रॉ कर रहे हो चूरी, तो इसका मतलब ये है, देखो कार्ड में क्या क्या होते हैं, ए 2, 3, 4 अप टू 10, फिर जैक क्वीन किंग, ये 13 कार्ड टोटल है ना, और ईच के 4 डिफरेंट सूट्स होते हैं, डायमंड क्लब हर्ट एंड स्पेड, टोटल 52 कार्ड हो गए, 13 into 4। अब आपसे पूछा 5 कार्ड ड्रॉ करो, सो ये इसका मतलब ये है, जो लिखा हुआ है 5 कार्ड पोकर गेम, सो 5 कार्ड आपने ड्रॉ किया, उस 5 में क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आपने इनमें से 5 कार्ड ड्रॉ किया, सो दैट 5 कार्ड विल कंटेन अ जैक क्वीन किंग एस एंड 10, निकाल पाओगे ये? सो टोटल कितने कर रहे हो आप, 52 में 5 ड्रॉ कर रहे हो आप, ठीक है। अब ये सेम सूट के होने चाहिए, तो 4 केसेस हैं, इसे बोला है ना कि क्या प्रोबेबिलिटी है उन 5 में ये 5 कार्ड आए, 5 कार्ड ड्रॉ किया एट रैंडम, एंड दैट 5 कार्ड विल कंटेन दिस ऑफ द सेम सूट, तो डिफरेंट सूट के भी आ सकते हैं। सो इसका क्या मतलब हुआ, 4 into 13 C5। ओके यस, सो आप क्या किया, पहले आपने 13 एक सूट के एक साथ कर लिए, ऐसा? यस सर, यस सर। ओके, सो पहले एक सूट किया ना, 4 इस तरह से ना, 4 केसेस बनेंगे, ये सब क्लब या सब स्पेड डायमंड या हर्ट इस तरीके से हैं, लेकिन चारों सेम सूट के आने चाहिए। सो 13 में से आपने 5 सेलेक्ट किए, 13 C5, है ना। So, answer में 4 ये दिया हुआ है ना? हाँ. Yes, sir. तो उसके उसका लॉजिक ये है ना, यस yes. क्योंकि तो इसका लॉजिक ये, अभी समझो, पहले आपने कहा 4 into 13 C5, तो 13 C5 में कौन से कार्ड आएंगे, कोई से भी 5 आ सकते हैं, है ना, ओके okay. तो 5 कार्ड ड्रॉ किया, टोटल ये प्रोबेबिलिटी है, और ये 4 आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि 4 केसेस हैं सेम सूट के ना, इनटू 4 जो है, 13 में से 5 आएंगे। हां
एक्चुअली ये 3 2 5 क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ वे ऑफ ड्रॉइंग 5 कार्ड्स है ना, ये हो गया हमारे पास। और नंबर ऑफ योर ड्राइंग 5 कार्ड, सिर्फ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हो गए ना आपके। ये 13C5 क्या है, इसका क्या मतलब हुआ, 13 में से कोई भी 5 ड्रॉ कर रहे हैं ना हम, तो इसका तो एक ही पॉसिबिलिटी उसमें से, इसके कितने पॉसिबिलिटी होंगे, ये तो आंसर ऐसा होगा ना 1/1, एक्चुअली आंसर होगा 4/13C5, ये है क्या 52C5 वैसा है, ऐसे क्यों होगा, अच्छा सॉरी 13C5 में 5 आया, लेकिन ये 1 आउट ऑफ ये ना, सॉरी सो 1 आउट ऑफ दिस एंड बाकी लोगों को क्वेश्चन समझ आया। देखो क्वेश्चन ये है कि हम 5 कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसमें से टोटल 52 में 5 कार्ड ड्रॉ करना है, ये पॉसिबिलिटी फाइन है। अब क्वेश्चन ये है कि 5 कार्ड जो होंगे वो ये फिक्स हैं, यही 5 होंगे विद सेम सूट, तो वहां पर ये अगर ऐसा बोलता कि 5 कार्ड सेम सूट के, नाम नहीं देता इसका, तभी तो आपका आंसर यही होता। अब सोचो अगर ये बोलता कि 5 कार्ड सेम सूट के, तो आपका क्या आंसर होता, तो उस केस में क्या करते हैं आप, तभी आपके यहाँ आंसर होता है, स्पेसिफाई करने का क्या मतलब है सर, यही करते हैं सर आप, जैसे जस्ट पूछता आपसे कि हमने 5 कार्ड ड्रॉ किए एंड ऑल 5 कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट, तो आप कहोगे कि स्पेड 13 है उसमें से 5 चुन लो, और क्लब और डायमंड और हर्ट, तो ये हो गए। लेकिन ये जो स्पेसिफाई किया है इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो यहाँ पे कोई भी हो सकता ना, रॉयल प्लस एस किंग क्वीन जैक ऑफ द सेम सूट, ठीक है ना। ये एक्चुअली जो प्रॉबर्टी अभी आप लिख रहे हैं ना, ये प्रॉबर्टी है कि गेटिंग 5 कार्ड ऑफ सेम सूट, 5 कार्ड ऑफ सेम सूट, ये इसकी प्रॉबर्टी है। और ये अभी आपने ये, लेकिन आपसे पूछा गया है कि 5 कार्ड्स ऑफ सेम सूट तो है ही, एंड दे आर पर्टिकुलरली वो कार्ड्स यही हैं, एस क्वीन किंग जैक 10, बताओ ये आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। सो एक तो इसकी प्रॉबर्टी आपने निकाल रखी, ये जो प्रॉबर्टी है ये 5 कार्ड सेम सूट की प्रॉबर्टी है एक्चुअली, लेकिन आपको स्पेसिफाई कर रखा यही 5 चाहिए, क्या होगी, हाँ तो इंटरसेक्शन लेंगे, इसका इंटरसेक्शन चाहिए, ये 5 कार्ड यही हैं स्पेसिफाइड। सो देखो आपने क्या किया, 13 में से आपने 5 कार्ड उठाए, तो उन 5 कार्ड कॉम्बिनेशन में क्या क्या 5 हो सकता है, हो सकता है 2 से लेके 6 तक हो, 3 से ये तक हो, है ना। तो मैं ये पूछा था उस 5 कॉम्बिनेशन में ऐसे कितने कॉम्बिनेशन होंगे जहां पर्टिकुलरली यही आ रहे होंगे, ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे जहां उस टारगेटिंग पॉइंट, जैसे एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा, हाँ तो इसका यही एक्चुअली कि 13C4 × 4 आउट ऑफ 52C5, तो ये इसकी प्रॉबर्टी है, एंड जस्ट वन कॉम्बिनेशन कंटेन्स दिस थिंग, ये पर्टिकुलर है ना, तो आपने जो ये जो लिखा हुआ है ये कोई भी 5 हो सकता है, कोई भी मतलब 5 इनमें से कोई भी आ सकता है, लेकिन आपको स्पेसिफाई किया है You want only these 5. So this is one out of that 13C5 combinations. 13C5 की वैल्यू जो भी आएगी, for example 1000 आ गई, so उस 1000 different combination में एक ही होगा जो ये होगा. So into one out of this. इसलिए ये cancel होके आपका ये आंसर आया. Now you check.
So you have 5 card of same suit and they can be anything. Yahan pe they can be anything. But for to be this, this is one among these many combinations. Okay. वैभव, हाँ ये मैं स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहा था वैभव जो आपने पूछा है. सो अच्छा 1/4 है क्या आप पूछ रहे हो? अच्छा आपने सॉल्व किया है क्या? तो शुरू में हम सॉल्व कर रहे थे, आंसर सॉल्व नहीं किए थे. तरुण है इसका आंसर क्या लिखा था इसमें पीडीएफ में? उसमें है आंसर अटैच्ड, देखो जो पीडीएफ तरुण ने भेज रखा है तो उसमें आंसर भी है. इसका आंसर जो है आपका 40, सो 40 का ए नहीं 3/7 है इसका जो आंसर इसमें गिवन है पीडीएफ में. 38, 39, 40 है ना. तो 40 का आंसर एक्चुअली ए दे रखा है, ए का मतलब 3/7 दे रखा है. ओके सो रामाशीष का डाउट हो गया. और कौन से रह गए डाउट? प्रीतम के हो गए, उससे पहले रामाशीष के थे, ये हो गए. और कौन लोग रह गए? मुझे लगता है ये लखराज वाले कुछ क्वेश्चन जो रह गए वो देखते हैं. आदित्य का तो कर ही लिया था डिस्कस. तरुण वाले क्वेश्चन रह गए और जो राघवेंद्र ने कई सारे भेजे थे, 3 तो इसके हो गए, लास्ट में एक दो बच गया. देखो ये क्या है. सो अच्छा एक मिनट देखते हैं. सो इसने अभी एक दो क्वेश्चन राघवेंद्र के और हैं वो देख लेते हैं क्या था ये. इसमें कौन सा डाउट है भाई? 6/7 में सेवन तो एक्चुअली रिजल्ट है, ये थ्योरम है कि ये कन्वर्जेंस होती है. सर सर मेरा डाउट था इसमें, सर आप देख रहे हैं 1 + 1/2 + 1/3 + 1/n, अगर सर log सर 1 - x ऐसे जब खोलेंगे तो सर जब माइनस में आ जाएगा और जब मैं हर चीज सर आप समझ रहे हैं ना सर कि x + x² / 2 + x³/3, लेकिन सर जहां मैं अगर इसको मैं सर अगर मैं 1 लिख दूंगा x = 2 log से तो सर डिफाइन नहीं होता ना सर. हां ये जो तुम्हारे पास 7th क्वेश्चन जो आप कहना चाह रहे हो, सो एक्शन है आपके पास 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 · 1/n - log n. तो ये एक रिजल्ट ही है ये. हाँ सर, इसमें सर ये जो 1 + 1/2 + 1/n करते हैं, हाँ सर इसको भी, हाँ सर इसको सर आप थोड़ा log में लिखिए तो सर ये log सर सर log 1 - x के फॉर्म में, लेकिन उसमें इनफाइनाइट टर्म होते हैं ना, यहाँ तो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं. अगर आप log 1 - x का एक्सपेंशन लिखोगे तो यहाँ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है. ये पावर सीरीज होती है, मतलब तो ये सीरीज आएगी ना कि माइनस में जो आप कहना चाह रहे हो माइनस 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4, तो ये इनफाइनाइट टर्म्स हैं इसमें एक्चुअली. मतलब यहाँ 1 - 1 मतलब आप log 0 की बात कर रहे हो, ये कह रहे हो आप, यही ना मतलब जो log 1 - x का एक्सपेंशन है उसमें आप x को 0 रख रहे हो, ये कह रहे थे हार्मोनिक सीरीज है तो ये इसका सम इन्फिनिटी होता है, तो ठीक तो है, क्या दिक्कत है? तो सर ये क्वेश्चन सर फिर तरीके कैसे? हाँ ये क्वेश्चन लॉग इन की वजह से कन्वर्जेंट है एक्चुअली. सो ये माइनस लॉग इन है ना, जब n टेंस टू इंफिनिटी लोगे आप तो आई थिंक इसकी लिमिट कितनी 0 हो जाएगी. जी सर 0 हो जाएगी है ना, क्योंकि ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है ये, क्योंकि दिस विल कन्वर्ज टू है ना, तो ये 0 पे चली जाएगी. तो ये रिजल्ट है, इसका प्रूफ देखना पड़ेगा. ये क्वेश्चन आप उसमें भी है जो बाटले वाली बुक है उसके एक साइज में है आई थिंक. अच्छा सर. हाँ तो अब देखना बाटले वाली बुक के एक साइज में या एग्जांपल में, आई थिंक एक साइज में है, आरजी बार्टर एंड सेवर्ड वाली बुक के साइड में है कुछ. ठीक है सर, सर ये छोड़िए सर, आप 8th वाला देखिए सर. 8th, हाँ ये जो 8th क्वेश्चन है ये टीफर का आया हुआ क्वेश्चन है.
TIFR एंट्रेंस में आया हुआ है। सो इसका जो एक्चुअली लॉजिक है ये आपको दे रखा है लिमिट n टेंस टू इनफिनिटी ए एन प्लस वन माइनस ए एन दिस इज जीरो सॉरी दिस इज इनफिनिटी। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ये क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा है प्रूव करो, क्वेश्चन बोल रहा है देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस, इज देयर एग्जिस्ट, आपसे यस नो में आंसर मांग रहा है वो, इज देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस दैट सेटिस्फाई दिस कंडीशन, क्या ऐसा कोई सीक्वेंस है, आपको ये ढूंढना है। तो ये प्रूव नहीं करना हर जगह ऐसा होगा, ये पूछ रहा है क्या ऐसा कोई सीक्वेंस होगा कि इसकी लिमिट ऐसी होती हो एंड और जो आपका लिमिट है एन टेंस टू इंफिनिटी रूट ए एन प्लस वन माइनस रूट अंडर ए एन ये आपकी जीरो पे जाती हो, ऐसा कोई है तो तुम ऐसा सीक्वेंस लो कि ए एन जो हो ना वन से ज्यादा पावर हो, फॉर एग्जाम्पल वन प्लस वन बाई टू ले लो और बताओ रूट ए एन इस केस में कितना आएगा, एन की पावर कितनी आएगी, वन बाई टू प्लस वन बाई फोर कितना हो जाएगा, तो ये लेस देन वन है कि नहीं, लेस देन वन है ना, वो लेस मोर देन वन है तो उसमें पावर मोर देन वन है और यहाँ पावर लेस देन वन है तो उसके टर्म के बीच हाँ यहाँ पे ये आपका थ्री बाई फोर है और ये आपका क्या है थ्री बाई टू है। सो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं जरा ध्यान दो, सो एक्चुअली क्या होगा कि ये आपका है n की पावर 3/2, 3/2 1 से ज्यादा है तो जब n इंफिनिटी को अप्रोच कर रही होगी तो इनके टर्म्स के बीच का गैप बहुत ज्यादा होता रहेगा, ठीक है ना, तो जब n इंफिनिटी है तो इनके कंसेक्यूटिव टर्म का गैप इंफिनिटी होगा, सो ये वाली जो है इसको सेटिस्फाई कर रही होगी। अब यहां पे क्या है n की पावर 3/4 है, 3/4 क्या है 1 से ज्यादा है कि कम है, 1 से कम है और इसीलिए जब इसके n टेंस टू इंफिनिटी होगी तो इसके टर्म्स के बीच का गैप जीरो हो जाएगा, हाँ तो क्योंकि यहाँ पावर वन वन से कम है एक्चुअली, तुम डिफरेंशिएट करके देख लो, तुम उससे भी देख सकते हो, तुम मान लो कोई एफ एक्स है तुम्हारे पास x की पावर 3/2 और कोई जी एक्स है x की पावर 3/4, इसके नेचर तुम चेक करो इन्फिनिटी पे तुम्हें समझ आ जाएगा क्योंकि ये वन से ज्यादा है तो या तुम है ना तो इसको ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ से, तो तुम ये फाइंड करके देखो यहाँ से ये तुम्हारा आ जाएगा, ये इन्फिनिटी को सेटिस्फाई करेगी क्योंकि मोर देन इक्वल टू सम एन के टर्म में आ जाएगा, तो ये वाली सीक्वेंस इसका एग्जांपल है, एक ही नहीं इनफाइनाइट एग्जांपल है, ऐसा कोई भी एग्जांपल लो जहां एन की पावर वन से ज्यादा हो लेकिन रूट लेने पर पावर वन से कम आ जाए तो वो इसको सेटिस्फाई करेगी। तो प्रूव कर सकते हैं, हाँ ये ऑलवेज ट्रू नहीं है ना, पूछा है क्या कोई ऐसा एग्जांपल मिलेगा, ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू नहीं है, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है जो सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो, तो वन बाई तुम चाहो तो वो कुछ एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल एन ही ले लो है ना, या कोई ऐसा एग्जांपल लो जो इसको सेटिस्फाई कर रहा हो उसको नहीं करेगा या उसको कर रहा होगा इसको नहीं करेगा, ऐसा हो जाएगा, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल भी हैं, मतलब इसने ये नहीं पूछा है क्या ये ऑलवेज ट्रू है, उसने पूछा क्या कोई ऐसा एग्जांपल है जिसमें इस तरह का बिहेवियर हो रहा हो, तो आंसर है यस दिस इज एग्जांपल ऐसा, प्रूफ कैट नहीं पूछा है। ओके चलिए क्वेश्चन देखते हैं, रामासी से दोबारा पूछे हैं क्या इसमें डाउट है, ये तो बेस थ्योरम का लग रहा है, बेस थ्योरम है हाँ, इसमें क्या डाउट है आपको, सर इसमें e by m निकालना है वो समझ में नहीं आ रहा, e by m ओके n और m दोनों से, अच्छा द प्लस साइन वाज आइदर नॉट चेंज और चेंज रिपीट ट्वाइस, द माइनस साइन वाज चेंज्ड आइदर वंस और ट्वाइस थ्री टाइम्स, तो ये बोल रहा है कि योर स्लिप ऑफ पेपर इज गिवन टू अ पर्सन हु मेक्स इट विथ आइदर अ प्लस और अ माइनस साइन, ठीक, तो सो स्लिप ऑफ पेपर इज गिवन टू अ पर्सन ए हु मार्क्स इट प्लस और माइनस है ना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर राइटिंग अ प्लस साइन इज 1/3, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ राइटिंग प्लस इज 1/3 एंड तो ऑब्वियसली माइनस की साइन 2/3 है और ए पासेस द स्लिप टू बी हू मे आइदर लीव इट अलोन और चेंज द साइन बिफोर पासिंग टू सी, ओके नेक्स्ट सी पासेस द स्लिप टू डी आफ्टर
perhaps changing the sign, perhaps changing the sign. Finally, D passes to a referee after perhaps changing the sign. So the referee see a plus sign on the slip. अच्छा उस साइन को वो चाहे तो ऑल्टर कर सकता है, मतलब प्लस को माइनस कर दे, माइनस को प्लस कर दे, हाँ तो इस तरह से. ओके सो रेफरी सीज अ प्लस साइन ऑन द स्लिप. अच्छा आपको गिवन है कि जो रेफरीज है इवेंट ए है, सो रेफरीज जो है दैट सीज प्लस साइन, सो रेफरी हाँ. Referees see plus sign, ठीक है, on the slip. So referees see plus sign on the slip. देखिए मैंने आपको, ठीक है. So it is known that BCD each change the sign with probability 2/3. अच्छा तो starting में मतलब जो ए है ना, ए को प्लस करने के चांस है 1/3 और माइनस के चांस है 2/3. अब बी सी डी जो है साइन चेंज करेगा, है ना, चेंज करने का साइन प्रोबेबिलिटी है 2/3 और चेंज ना करने की प्रोबेबिलिटी है 1/3. ओके देखना डेटा एक बार और कैसे पास हुआ है. ए ने साइन लिखा, फिर उसके बाद ए के पास कुछ साइन रहा होगा प्लस या माइनस, फिर बी के पास गया प्लस या माइनस किया होगा उसने, सी प्लस या माइनस कर सकती है, फिर डी और फिर फाइनली रेफरीज, ठीक है. तो ऐसा है तो सबके पास चॉइस था, तो ए ने प्लस माइनस को एक लिखा होगा और उसने पास किया, तो वो चाहे तो प्लस सेम रख सकती है या चेंज कर सकती है, चाहे तो प्लस सेम रख सकती है चेंज कर सकती है, चाहे तो सेम रखे या चेंज करे, और फाइनली रेफरी को दिया. रेफरी को क्या मिला, रेफरी को पक्का मिला कि प्लस है ना. सो रेफरी को जो मिला वो क्या था, प्लस साइन था उस पे जब मिला तो. ओके तो प्लस साइन कैसा था, इसने प्लस करके, अच्छा इसने चेंज भी कर सकता है, तो फाइनली प्लस मिला. सो कह रहा है कि कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी दैट ए ओरिजिनली रोट अ प्लस साइन. तो अगेन इवेंट ए है ना, इवेंट ईवन है कि ए रोट प्लस साइन, ए रोट प्लस साइन, और ई टू है कि ए रोट माइनस साइन. सो या तो प्लस से स्टार्ट हुआ या माइनस से स्टार्ट हुआ. ओके सो आपसे पूछा गया क्या प्रोबेबिलिटी है ई वन गिवन ए, ठीक. सो फॉर्मूला यू ऑलरेडी नो, बेस थ्योरम. ओके चलिए अब आपको कैलकुलेट करना है, जो मेन डाउट है आपको वो ये है कि कैसे ये ए गिवन ई वन और ए गिवन ई टू कैलकुलेट हुआ है ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन तो यहाँ गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन ई टू तो मुझे पहले से पता है. सो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन तो क्वेश्चन में दे रखा है कि 1/3 हो सकता है प्लस करने का, और ई टू का 2/3 है, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है. हमें मेन सीखना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ A given E1. So E1 का मतलब है कि आपको पता है कि उसने प्लस से स्टार्ट किया. So, सोचो अब A given E1 का मतलब है प्लस से स्टार्ट हुआ, एंड हमें यह भी पता है कि A B C D रेफरी, तो रेफरी को प्लस मिला, ठीक. तो हमें यह भी पता है कि रेफरी को प्लस मिला. So A given E1 का सिचुएशन क्या हुआ कि A ने प्लस लिखा था, ये आपको गिवन है, और रेफरी को प्लस मिला वो भी पता है आपको पहले से. सो क्वेश्चन ये है, मतलब उसकी प्रॉबर्टी निकालनी है प्लस मिला उसका, तो बीच में क्या हो सकता है, सोचो. आपको टोटल देखनी है पॉसिबिलिटीज, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, तो आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना सकते हो क्या, बताओ क्या हो सकता है. प्लस प्लस प्लस, एक तो ये केस है सबने सेम छोड़ दिया हो, या केस बनाओ आप क्या हो सकता है. सो या तो चेंज किया हो या चेंज ना किया हो, है ना, तो क्या कर सकते हो तुम, मतलब डिफरेंट केसेस देख लो क्या क्या हो सकता है, या कितने केसेस बनेंगे. दो बार चेंज हुआ हो
मतलब चेंज करना जरूरी है क्या, ये सेम भी रख सकता है वो? एक मिनट, हूं मैं आइदर लिव इट अलोन और चेंज द साइन, ए पासेस टू बी, हूं मैं आइदर लिव इट अलोन और चेंज द साइन बिफोर पासिंग टू सी, सी पासेस टू स्लीप, डी आफ्टर पर हैव चेंजिंग द साइन। पर हैव का क्या मतलब है? नहीं भी कर सकते ना, हाँ। फाइनली डी पासेस टू परेफरी आफ्टर पर हैव चेंजिंग द साइन, तो आपके पास ऑप्शंस हैं, तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देख लो क्या हो सकता है, हो सकता है कि इसने माइनस प्लस माइनस, मुझे लगता है आठ केस यहाँ बन जाएंगे क्या, इसने क्या किया है, हाँ आठ केस बन जाएंगे ना। बोलो भाई, सो ऐसा हो सकता ना, प्लस माइनस प्लस, यहां तो प्लस ही रहेगा, बीच के साइन चेंज करो। अरे मतलब इसको कितने डिफरेंट तरीके से अरेंज कर सकते, मैं ये बोल रहा हूं इसके कितने केसेस इस तरह बन सकते हैं, मैं ये पूछ रहा हूं। पहला प्लस राइट प्लस है, ये जो है इसको आपको अब प्लस माइनस है ना, देर आर थ्री पोजिशन यू कैन पुट प्लस और माइनस, सो कितने पॉसिबिलिटीज हैं टोटल? नहीं नहीं, टू इंटू टू इंटू टू एट ना, हाँ टोटल एट पॉसिबिलिटी है ना, ये लाइक वैसा हो गया ना कि यू आर टॉसिंग अ कॉइन, इट हैज टू पॉसिबिलिटी, हेड और टेल, तो यहाँ पे प्लस माइनस है थ्री टाइम्स, सो थ्री पोजीशंस हैं, तो ईच कैन बी फिल्ड विद प्लस और माइनस, देयर आर एट पॉसिबिलिटीज। अब आपको सोचना है कि चेंज करने की प्रॉबिलिटी क्या है, जिसने कहा था कि ईच चेंज द साइन विद प्रोबेबिलिटी 2/3, ओके, और चेंज ना करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/3। सो देखो यहां पे ए गिवन इवन का मतलब हुआ कि तुम्हारे पास अगर ए ने प्लस लिखा था तो क्या प्रोबेबिलिटी रेफरी को प्लस मिलेगा, तो वही तुम्हें लिखना है, रेफरी को प्लस मिलने का क्या पॉसिबिलिटी, तुम अगर केस लिखो तो जैसे मैं अगर डिफरेंट केसेस लिख दूं तो तुम्हें समझ आएगा, ओके। सो मान लो चलो प्लस प्लस माइनस, ये हो गया माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस प्लस, माइनस माइनस माइनस, ठीक। बाकी यहाँ तो ठीक ही है, कितने केस, कुछ केस रह गया शायद, कौन सा केस रह गया, माइनस माइनस प्लस वाला, 2 to 4, 6, 7, एक रह गया माइनस माइनस प्लस, सो लास्ट वाला एक केस रह गया, सो ना माइनस माइनस प्लस, ये भी ले लो, या यहाँ प्लस कर दो, यहाँ माइनस कर दो, ठीक। सो ये टोटल एट पॉसिबिलिटी है, बाकी तो प्लस ही है। अब चेक करो, तो अब आप देखो साइन कितनी बार चेंज हुआ, या तो इसने प्लस सेम ही रखा, सेम ही रखा, तो एक बार यहाँ चेंज हुआ, एक बार यहाँ चेंज हुआ, दो बार चेंज हुआ, तो यहाँ पे टू टाइम चेंज हुआ। अब इससे तुम निकाल लोगे प्रॉब्लम एक्चुअली, सेम चीज दूसरे केस में करना है, उससे आ जाएगा, ठीक है, करके देख लेना। सो कॉस 10 इनवर्स लग जा रही है सर, कौन सा, ये कॉस वाला है सर, कॉस 1 बाय 2 10 इनवर्स माइनस 1 बाय। अच्छा उसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, ओके एक मिनट, क्वेश्चन तो कई लोग आ गए, तो प्रीतम के एक क्वेश्चन थे पहले, तो इसमें किसका था, रामाश किसका हो गया, नेक्स्ट ये किनका, देखो किसका ये डाउट है, सॉरी नाम तो मुझे देखने रहा, एनीवे यस वेंकट ना, सो द क्वेश्चन इज, देखो वन बाय वन देखते हैं, यस सर, हम्म,
सो फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्क्ड इज ए वन इज इक्वल टू वन, ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस वन प्लस फोर, एंड देन दे आर आस्किंग यू टू फाइंड द लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 by a1 comma a2, 1 by a2 comma a3, 1 by an minus 1 into an. Now you see, so a1 is 1, so what is your a2 from here? Kya ji, a2 ki value? 5 hai. A3 कितना है? 9 है. ऐसे बताने की जरूरत नहीं है, यहां से आपको दिख रहा है. सो क्या आपको ये भी यहां से दिख रहा होगा कि an-1 is equal to 4. फाइन, चलो. तो मैं अगर इसको ऐसा लिख दूं 1 by a1 minus 1 by a2, तो मुझे किस नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा इसको बैलेंस करने के लिए? a2 minus 7 क्या है? 4 से. देखो यहाँ हर दो टर्म के बीच का गैप 4 है ना, सो यू जस्ट टेक 1 बाई 4 आउट. ये 4 यहाँ पे बैलेंस करोगे तो उस 4 को यहाँ से बैलेंस कर लिया ना. इसको ओपन करोगे तो a2 माइनस 7 जो कि 4 है, तो 4 से बैलेंस कर लिया. सो यू कैन राइट a2 माइनस 1 बाई a2 माइनस a3, 1 बाई a3 माइनस a4, एंड इट विल गो लाइक 1 बाई an माइनस 1 माइनस 1 बाई an. सी, इज इट फाइन? तो अब आपके पास क्या है यहां पे? सो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 बाई 4. सो कैन यू सी इट? सो व्हाट इज रिमेनिंग? 1 बाई ए वन माइनस 1 बाई ए एन. सो बताइए क्या आंसर आएगा? सो चूंकि सिक्वेंस इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग सिक्वेंस है, तो इट विल टेंड टू इंफिनिटी. ए एन की लिमिट इंफिनिटी है, तो 1 बाई ए एन 0 हो गई. तो फाइनली 1 बाई 4 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, जो कि आंसर है 1 बाई 4. ठीक, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक मिनट. हेलो, हाँ हेलो, प्रणाम भाभी, बताओ. ठीक है, बताओ. अच्छा, अरे वाह. हाँ, फॉर सर्विस. कोल कोर्स में, कोल कोर्स में एडमिशन हो रही है, कोल कोर्स में करेंगे. अच्छा, तो ऑनलाइन कोचिंग देख रहे हो ना? तो हम आके बता दीजिए, अभी तक क्लास है, चलिए 10 बजे के बाद फ्री हो जाओ, फोन कर दीजिए. ठीक, ओके. सो दिस इज फाइन. नेक्स्ट, तो यस, वेंकट हैज टू क्वेश्चन. अच्छा, ये जो पूछ रहा था टाइम इनवर्स वाला, चलो ट्राई करके देख लेते हैं. सो ये जो क्वेश्चन है, द सीक्वेंस कॉस 1 बाय 2 टैन इनवर्स क्या है? अरे यार, फोन बंद हो गया, एक मिनट, चार्ज नहीं था. हाँ, कोई बताओ क्या था? टैन इनवर्स माइनस एन बाई टू पावर n, और इस किसकी पावर n? पूरे की? इट्स सिर्फ माइनस n बाय 2 टू द पावर n. अच्छा, सो इसकी पावर n. सो ठीक है, तो इसके बारे में आपको बात करना है कि ये जो सीक्वेंस है ना, सो दिस इज योर सीक्वेंस, एंड
कि ना ये कुछ ऐसा है एक्सेंट टाइप का, तो आपको बोलना है कि ये सीक्वेंस क्या है, मोनोटोनिक है, ये इस तरह से पूछा है ना। हाँ ऑब्वियसली यस, एन कुछ भी लो माइनस वन के बीच रहेगा पक्का, क्योंकि बाउंड तो करेगा ही। यस अच्छा, मतलब वो तो पक्का माइनस वन वन में रहेगा, बट और सबसेट भी हो सकता है। यस सर, मेरा ये था कि सर ये जो 1 by 2 tan inverse minus n by 2 for n है, सर इसको z मान लेते हैं cos के अंदर की वैल्यू को। नहीं नहीं फिर से बताओ, समझ नहीं आया क्या बोले। सर ये जो cos के अंदर की जो वैल्यू है ना सर, इसको z मान लेते हैं और सर इसको सर फिर cos के वैल्यू में सर चेंज करके सर cos cos हटा देंगे। हाँ ट्राई कर सकते हो। यस सो हाफ tan inverse है ना। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज जस्ट लाइक एंगल, तो ये cos है ना, मतलब मान लो ये थीटा है सपोज, so ठीक है, where the theta you have is half tan inverse minus n by n इसकी power n, तो मतलब मुझे लगता है ये angle में है, तो यहाँ से tan 2 theta is equal, मतलब cross multiply करो 2 theta, तो tan 2 theta is एक मिनट minus n by 2 था, तो minus n by 2 इस पूरे की power n है, तो cos 2 theta को तुम लिख सकते हो, sorry tan 2 theta को कॉस में लिख सकते हो, क्या होगी? फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है ना? सो यहाँ से चेंज कर लो, सो यहाँ से यू विल फाइंड कॉस, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कुछ रिलेशन आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल हैव सम रिलेशन विद कॉस, तो यहाँ से कुछ आ जाएगा इंटरवल। हाँ तो सर फिर थीटा को सर फिर क्योंकि सर लास्ट में सर फिर कॉस थीटा ही आता है। सर कॉस थीटा को वैल्यू से निकाल के सर फिर उसमें देख लेंगे प्लस माइनस करके। हाँ चेक कर सकते हो, यहाँ से कॉस थीटा निकल जाएगा ना, सो कुछ आ जाएगी वैल्यू, सो उससे फाइंड कर सकते हो। यस तुम सॉल्व करके देखो, अगर आंसर बताओ मतलब उसको ग्रुप में पोस्ट कर दो अगर कॉल कर पा रहे हो तो उस तरीके से। अगर कुछ टर्म्स के भी आइडिया ले सकते हो, यू पुट n इज इक्वल टू 1, चेक करो कि आंसर आ रहा है, फिर 2 रख के देखो तो उससे भी कुछ आइडिया मिलेगा, x1 x2 x3 फाइंड करके। एक बार सॉल्व करो, आगे सॉल्व करके भेजो क्या था इसमें, तो इसमें जो ऑप्शंस थे ठीक है ना, इसको सॉल्व करके एक बार भेज दो कोई, क्या पूछा इसे, मोनोटोन है, कन्वर्जेंट है, मोनोटोन है, कन्वर्जेंट नहीं है, तो n टेंस टू इनफिनिटी पे देखना पड़ेगा क्या आता है। सो n की पावर n की लिमिट क्या होती है n टेंस टू इनफिनिटी पे? 1। सो n टेंस टू n है, n टेंस टू 1 / n का आई थिंक 1 आता है ना सर, 1 / n का बनाता है। हां n की पावर 1 / n का 1 आएगा, यहां n टेंस टू n तो वैसे इनफिनिटी हो जाएगी, लेकिन यहां पे तुम लॉग उगले कुछ ट्राई कर सकते हो। सो चूंकि यहां पे क्वेश्चन क्या था, पूरी पावर एन है ना। ऐसे टैन इनवर्स का जो रेंज होता है ना, टैन इनवर्स का रेंज क्या होता है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है ना, जो ओपन में होता है सर। हाँ तो टैन इनवर्स का रेंज जो है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ओपन में होता है, सो ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच का नंबर होगा, कुछ भी होगा यहाँ पे, और ये हाफ से मल्टीप्लाई किया तो माइनस पाई बाई फोर प्लस पाई बाई फोर के बीच होगा, और कॉस माइनस पाई बाई फोर प्लस पाई बाई फोर के बीच का मतलब क्या हो गया सर, जीरो से वन बाई रूट टू, क्योंकि कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है ना, तो जीरो से वन बाई रूट टू के बीच इसकी वैल्यू आ जाएगी कुछ ऐसा। तो मतलब मोनोटोन कन्वर्जेंट, मोनोटोन नॉट कन्वर्जेंट, ज्यादा मोनोटोन और कन्वर्जेंट बात कर रहा है, तो कुछ टर्म्स निकाल कर तुम देखो एक बार आइडिया लग जाएगा, इसको ट्राई करता हूँ मैं। एक बार एन को वन रखो क्या आंसर आता है, फिर एन को टू रख के देखो क्या आंसर आता है, उससे एक आइडिया लग जाएगा मोनोटोन का है ना। एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री फाइंड करो, यू फाइंड एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर, तीन चार टर्म फाइंड करो कुछ आइडिया मिल जाएगा एक, और उसके बाद मोनोटोन होगा कि नहीं उसके बाद आइडिया मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर एन टेंस टू इन्फिनिटी लोगे तो क्या होगी,
मुझे बताओ n टेंस टू इंफिनिटी पे जैसे लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n की पावर 1 बाई n 1 होती है ना, और लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n की पावर n क्या होगी? इंफिनिटी आएगी ना, तो इंफिनिटी की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी रहेगी, क्योंकि ये इंडिटरमिनेट टर्म थोड़ी है। इंफिनिटी की पावर इंफिनिटी इंडिटरमिनेट टर्म है नहीं ना, चेक कर लो एक बारी। सो इंफिनिटी आ गई। अब यहाँ पे माइनस प्लस का चक्कर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो वैल्यू है तुम ये देखो, ये जो तुम्हारे पास वैल्यू है ये या तो प्लस इंफिनिटी आएगी, ये तो ऐसा हो सकता ना माइनस इंफिनिटी मतलब माइनस इंफिनिटी की पावर इंफिनिटी, मतलब ऐसा हो जाएगा कि उसको बाहर कर दो, माइनस वन की पावर एन बाहर कर दो उसमें, तो ये प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी आएगी। तो टैन इनवर्स इंफिनिटी कितनी होती है? पाई बाई टू। टैन इनवर्स माइनस इंफिनिटी कितनी होती है? माइनस पाई टू। और कॉस की वैल्यू पाई बाई टू या माइनस पाई बाई टू दोनों पे क्या आती है? सॉरी यहाँ पे तो वन बाई टू भी है, तो पाई बाई टू या माइनस पाई बाई टू कुछ भी हो, ये वन बाई टू से मल्टीप्लाई करो तो ये पाई बाई फोर या माइनस पाई बाई फोर होगा, और कॉस की वैल्यू पाई बाई फोर या माइनस पाई बाई फोर दोनों पे क्या आती है? सर माइनस पाई बाई फोर और सर पॉजिटिव आएगी सर। हाँ तो क्या आएगी सर? ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब वन बाई रूट टू कॉस पाई बाई फोर, तो इस सिक्वेंस की लिमिट वन बाई रूट टू आनी चाहिए, तो कन्वर्जेंट है ये। ठीक है, तो n टेंस टू इंफिनिटी लगाओ तो ये इसकी लिमिट आएगी तुम्हारी 1 बाई रूट टू, इस सीक्वेंस की लिमिट है 1 बाई रूट टू, तो 1 बाई रूट टू मतलब कन्वर्जेंट, तो ऑप्शन कन्वर्जेंट ट्रू हो गया। और मोनोटोन के लिए कुछ टर्म्स निकाल कर चेक कर दो। ठीक है, तो सर इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है सर, सीधा कर देंगे अपने आप आ जाएगा। हाँ तो अपना अपना दिमाग लगाओ, जिसके पास जितना उतना ही लगाना है। ठीक है, तो ऐसे बढ़ाया जा सकता है ना, तो प्रैक्टिस करके। एनीवे तो इसका आंसर तुम चेक कर लेना, कन्वर्जेंट होगा और बाकी मोनोटोन तुम चेक कर लो। कोई जरूरी नहीं कन्वर्जेंट है तो मोनोटोन होगा, है ना, मोनोटोन है अनबाउंडेड है तो कन्वर्जेंट होगा, बट कन्वर्जेंट है तो जरूरी नहीं मोनोटोन होना चाहिए। माइनस वन की पावर एन अपॉन एन है तो कन्वर्जेंट है, मोनोटोन नहीं है तो जरूरी नहीं है, तो इसीलिए मोनोटोन तुम्हें अलग से चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट चलो, प्रीतम ने एक और भेजा हुआ है वो देख लेते हैं। एंड सो ये क्या है, सीरीज के सम पे हो जाएगा ये। तो ये जो भेजा है 65 क्वेश्चन जो कि जैम एमएस 2023 का ही है, ये एसएन आपको दे रखा है समेशन के फ्रॉम 1 टू एन 1 प्लस k into 2 raised to power k whole upon 4 raised to power k minus 1। ठीक, ये जी इसको ब्रेक करो दो पार्ट में, तो समेशन 1 by 4 इस पूरे की पावर k minus 1 k from 1 to n and plus समेशन k 2 की पावर k upon 4 की पावर k minus 1 k from 1 to n, ये एसएन है तुम्हारा। अगर तुम लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी लगा लो तो क्या हो जाएगी, k फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 1 by 4 की पावर k माइनस 1, तो इसका सम निकल जाएगा जी। कैसे निकलेगा सम इसका? ज्योमेट्रिक इनफिनाइट टर्म के ज्योमेट्रिक सम है, ओपन कर दो 1 प्लस 1 by 4 प्लस 1 by 4 स्क्वायर प्लस 1 by 4 क्यूब सो ऑन, तो a अपॉन 1 माइनस r, तो 1 अपॉन 1 माइनस 1 बाई 4 तो 1 अपॉन 3 बाई 4, तो आंसर 4 बाई 3 आ गया। सो इसकी सम जो है इसका आंसर 4 बाई 3 आ गया। एंड नेक्स्ट टर्म आ जाएगा वैसे ही, तो ये तुम्हारा 4 बाई 3 आ गया, वेरीफाई कर लेना एक बार, ठीक है ना, a अपॉन 1 माइनस r, सो ये आ गया। अब नेक्स्ट देखो, तुम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, एक 4 को पहले बाहर निकालो, तो 4 को तुमने बाहर निकाला और यहाँ है k और ये 2 टूट जा 4, तो 1 बाई 2 की पावर k बचा। अब देखो यहाँ भी सीरीज का सम लगा लो, ये कौन सा सीरीज आएगा यहाँ पे, सो तुम्हारे पास आता है ना 1 अपॉन 1 माइनस x का स्क्वायर 1 माइनस x की पावर माइनस 2, इसका सम क्या होता है जी? यही होता है सर।
1 + 2x + 3x² + 4x³... अब देखो ये इस फॉर्म में फिट बैठ रहा है क्या? k को 1 रखेंगे तो क्या आएगा? 1 × 1/2 की पावर 1। तो अभी फिट नहीं बैठ रहा भाई, ये पावर 1 है, आगे 2 होना चाहिए। पावर 2 है तो 3 होना चाहिए। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पावर को कम कर देते हैं, 1/2 बाहर निकाल लो। ठीक, सो मतलब प्लस, यहां से 1/2 बाहर निकाल लो एक, ठीक है? तो यहां पावर -1 कर दो एक, और एक 2 को यहां ले आओ, तो 4 × 2 = 8 हो जाएगी। तो ये तुम्हारा 1/8 हो गई। क्या किया मैंने? पहले तो एक 4 बाहर, अरे एक मिनट, यहां थोड़ा गलत किया मैंने, चेक करो कैलकुलेशन, मैंने थोड़ा गलत किया है। बताओ यहां बाहर क्या आएगा? एक्चुअली -1 था ना ये, तो शुरू में ये काम करना था मुझे, यहां से 2 बाहर करो, ऊपर से 2 बाहर करो ना। तो जब तुम 2 एक बाहर कर लोगे तो 2 की पावर क्या रहेगी? हाँ, तुम सब सोए हुए हो, ध्यान नहीं देते। मैंने यहां से 4 कॉमन निकाल लिया था, क्योंकि 4 की पावर k माइनस 1 ही अगर है ना, तो 2 बाहर निकालो। सो k टाइम अब 2/4 की पावर k, तो ये 2/4 की पावर k माइनस 1, अब देखो फिट बैठ जाएगी। सो अब इसमें फिट बैठेगी, चेक करो, k को 1 रखो तो ये 1 आएगी, k को 2 रखो तो ये आएगी, k को 3 रखो तो ये आएगी, k को 4 रखो ये आएगी, तो इस पे फिट बैठ गया। तो इसका मतलब हो गया 1, ये 2 तो है ही बाहर, 1/1 - x, x की जगह तुम्हारा चल रहा है 1/2 इसका स्क्वायर। तो फाइनल आंसर आ गया 4/3 + 2/1 - 1/2 = 1/4। तो 4/3 + 8, चेक कर लो कितना आएगा, 28/3, चेक कर लो इसको आंसर की में, देखो यही आ रहा क्या, सो 9 point something आएगा, 9.3 आंसर की नहीं सर, अरे आंसर की इसमें नहीं है, पेपर में, ये 2023 एग्जाम एमएस का है, तो वहां जाके देखो। ओके ठीक है, हाँ 9.3 ठीक तो है, दे तो रखा है इसने। सो ओके है ना, बताओ ये जो क्वेश्चन, इसका ट्राई करता हूँ मैं सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन वाला। तो और कोई क्वेश्चन रह गया? ये लखनऊ का कुछ क्वेश्चन था, वो शुरू में रह गया शायद। देखो एक तो डिस्कस किया, ऐसे उल्टा सीधा क्वेश्चन है। अ बैग कंटेन एन बॉल्स, सो अरे इसमें क्या करो, एन को 2-3 पुट करके ट्राई कर लो। एग्जाम में एन जब भी आए क्वेश्चन में, स्टार्ट करो एन को तुम 2 रख लो, फिर सोच के देखो, या 3 रख लो, 4 रख लो अपने हिसाब से, फिर उससे आंसर निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, सो अ बैग कंटेन एन बॉल्स, ऑल पॉसिबल प्रोपोर्शन ऑफ व्हाइट ब्लैक बॉल्स आर बीइंग वेरी लाइकली, अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग, इट रिटर्न, इट टर्न्स आउट टू बी व्हाइट, द बॉल इज रिप्लेस्ड बैक, देन अनदर इज ड्रॉन एंड टर्न आउट टू बी व्हाइट अगेन विद रिप्लेसमेंट है। अच्छा, so if ball is replaced back, prove that the chance of black ball in the next throw is this। तो n को तुम मान लो, तुमने n को 2 रख लो अपनी मर्जी से, अब करो हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, कि पहली बार में white आया, दूसरी बार में white आया, तीसरी बार black आने की probability निकालो, so हो जाएगा उसके बाद। so इस तरह के n वाले क्वेश्चन में ये रूल लगाओ, बाकी कहीं भी n उन है, यहाँ भी एक ग्रुप ऑफ 2n वाला है ना। कर लोगे भाई ये सब? क्या कर रखा है, n factorial, estimate p using the string formula, ये सब string formula तुम्हारे जैम के सिलेबस में नहीं है ना, तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वैसे ही आ जाएगा। और कोई क्वेश्चन रह गया? देखो बताओ किसी का रह गया तो। हाँ लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये है एग्जांपल 4 है ना, ये जो बीच में लिखा हूँ ना वांग, ये जो तुम देखते हो ब्रैकेट में लिखा है एग्जांपल 4 क्या है, क्या लिखा है, वोंग 120, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब बताओ, ये क्या लिखना चाह रहा है? इसे बुक से लिया गया है। हाँ, तो ये जो बुक है, अगर तुम रेफरेंस देखोगे तो 120वें नंबर रेफरेंस पे जो बुक लिखा होगा उसका ऑथर ये वोंग होगा, वोंग ने वो बुक या रिसर्च पेपर होगा, एक्चुअली बुक नहीं होगा, मे बी रिसर्च पेपर, तो वो रिसर्च पेपर से इसने ये क्वेश्चन उठाए हैं। ठीक है ना, तो सो यहाँ पे क्या है कि टेक 4 आइडेंटिकल मार्बल्स ऑन द फर्स्ट राइट सिंबल्स A1, A2, A3। तो 4 आइडेंटिकल मार्बल्स लिए,
पहले पे लिखा तुमने A1, A2, A3, एक मार्बल पे ये लिखा हुआ है, और ऑन ईच ऑफ द अदर राइट A1, बाकी पे लिखा A1, एक मार्बल पे लिखा A2 और एक मार्बल पे लिखा A3, ठीक। पुट द फोर मार्बल इन एन अर्न, एक चारों मार्बल को एक बैग में डाल दो, अर्न में डाल दो, एक ड्रॉ करो एट रैंडम। EI डिनोट द इवेंट दैट द सिंबल AI अपीयर्स। सो EI का मतलब है कि सिंबल AI अपीयर्स, ठीक है। सो अपीयर्स जो भी है ये यार, सो तो पूछ रहा है कि देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, मतलब ऐसे मार्बल्स जिस पे AI A1 लिखा हुआ है, बताओ कितने मार्बल है जिस पे A1 लिखा हुआ है। तो 2/4 यही था ना वहां पे, सो 2/4 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। ओके सर, अब समझ, वो सब प्रश्न मार्बल में A1 A2 तीनों काउंट हो गए एक्चुअली। हां यस, सो इसीलिए ठीक है। आई थिंक चलो 10 बज भी गया, तो आज हमने क्लास अराउंड 2:00 तो ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट। इसका पीडीएफ भेज दीजिए। अच्छा ये इसका ना, हां ठीक है, इसका पीडीएफ अभी भेज देता हूं। सो ऑलमोस्ट 3 घंटे क्लास हो ही गई। डाउट हर संडे 7-10 डाउट क्लास होगा, अभी रात को 9 बजे एक टेस्ट भी होगा आज, मतलब हर संडे होगा, तो हो रहा है। चलो ठीक है, थैंक यू एंड गुड नाइट बोलने की आदत है लेकिन यहां पे गुड नाइट नहीं है। थैंक यू। जो भी टॉपिक पढ़ाया है सीक्वेंस और प्रोबेबिलिटी, तो मे बी सीक्वेंस का होगा, प्रोबेबिलिटी का देखना, सीक्वेंस का होगा आई थिंक, सीक्वेंस का। वो जो टेस्ट पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको पता होगा, मुझे लगता है सीक्वेंस पे देंगे वो। आज डेट है 9 तारीख।